हाँ हाँ आ गए। कंफर्म हो गया, हाँ लाइव आ कंफर्म गए। हो गया फरीद भाई। हाँ तो दोस्तों, आज का सत्र बहुत ही खास है, बहुत बहुत ही खास है। मतलब हम बात करने वाले हैं अभिनेता विनीत कुमार की, अभिनेता विनीत कुमार से। अब बिहार का रंगमंच हो, खासकर पटना का रंगमंच हो, वो विनीत कुमार के जिक्र के बिना अधूरा। मेरी पीढ़ी से लेकर, मतलब मैं काफी छोटा था इससे उनकी उम्र का अंदाजा ना लगा तो मेरी पीढ़ी से लेकर अभी काफी बूढ़े हो चुके लोगों की पीढ़ी तक के लोग भी आज उन्हें सम्मान से याद करते हैं। मतलब पटना में अभी वो उतने सक्रिय नहीं है जितने वो अपने अपनी जवानी में हुआ करते थे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और रंगमंच पर किया हुआ अभिनय हमारी स्मृतियों में अभी तक अंकित है। आपको यकीन नहीं होगा, उनके बोले हुए डायलॉग, जैसे मैं एक का उदाहरण दे रहा हूँ, गीता पढ़ते हो, पढ़ा करो, चित्त को शांति मिलती है। ये डायलॉग आज भी लोगों को याद है। खैर, लेकिन रंगमंच तक पहुंचने और आज जहां वे हैं वहां तक पहुंचने का उनका सफर बहुत ही, कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है। यानी कहीं से चलकर कहीं पहुंच गए। इसमें उनका विवेक, सही गलत की उनकी समझ, उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कुंज एक सवाल से शुरू करता हूँ सीधे जी कि विनीत जी, आपने जेपी मूवमेंट देखा, ठीक है? अब जेपी मूवमेंट का मतलब है कि हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आपातकाल की बात कर रहे हैं। और मेरे मत में जब ये मालूम हुआ कि आप काफ़ी सक्रिय थे जेपी मूवमेंट में, तो आपके पिताजी आईपीएस अधिकारी थे, और ऐसा नहीं, सुन आईपीएस नहीं थे वो, उस समय बाद में अलग हो गया था पुलिस डिपार्टमेंट से। वो उस विभाग में थे जो जहां डीटीओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस अच्छा, में, हाँ, जहां गाड़ी तो का लाइसेंस बनता है। मतलब वहाँ, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आपातकाल में उसके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। ऐसे में आपातकाल में आप सक्रिय रूप से सक्रिय थे, कभी आपको डर नहीं लगा कि ये तलवार आपके पिताजी पर भी लटक सकती है, या ऐसा कुछ भी आपको परिवार की तरफ से झिड़की मिली हो है? या कैसे, नहीं, मतलब दरअसल क्या है कि अगर ऐसे देखा जाए तो पिताजी जो है वो बोला करते थे कि अरे, क्योंकि उस समय तो मेरा थिएटर भी शुरू हो गया था, तो वो बोला करते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, वो यूथ कांग्रेस बना है, वो रोज आता है, वो बोलता है कि अपने दोनों बेटों को उधर, क्योंकि भैया भी थे ऑलरेडी वो जेपी मूवमेंट में, छात्र संघर्ष समिति के वो जनरल सेक्रेटरी थे, और आजकल बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो पूरे बाकरगंज की जो समिति थी उसमें हम लोग थे, क्योंकि हम बाकरगंज में रहते थे। तो वो बोलते थे अरे यूथ कांग्रेस से खुला है कुछ, अरे चला जाए सही रहेगा, अरे जब करना ही है तो यूथ कांग्रेस को कर ले। हम लोगों को लगता था आप अपना देख लीजिए, हम लोग अपना देख रहे हैं। मेरी अपनी समझदारी ये बनी थी कि मूवमेंट के दौरान, या कहा जाए उस दौर में, जब आप कुछ करने की इच्छा, ललक या तड़प या जो भी होती है, उस समय सिर्फ एक ही चीज काम करती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं, बाकी आप अपनी जिम्मेदारी ले लो। मूवमेंट तभी खड़ा हो सकता है, जिम्मेदारियों को लाद के आप मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकते हो कि भैया उनकी जिम्मेदारी उनकी, जब मैं अपनी जिम्मेदारी ले कि मेरे साथ क्या होगा वो मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, जबकि मुझे मालूम नहीं था कि जिनके बीच में, जिनके साथ हम लड़ रहे थे,
या जो लोग उस लड़ाई में अगली पंक्ति में थे वो सब वही थे जिसके विरुद्ध हम काम कर रहे थे। आज की तारीख में तो हम ऐसे ही देखेंगे ना कि कौन लोग आए उस सत्ता के बाद, कि भाई इमरजेंसी के बाद 77 में जब सत्ता बदली तो वो दृश्य देखने लायक था कि भीड़ लगी हुई है जेपी के घर में। तो हम लोगों का क्या था कि पटना में रहते थे तो गली है उधर, तो नहीं गली से गुजर गए, भीड़ लगी हुई है, क्या हो रहा भाई? अरे भीड़ लग गई ऊपर, तो बैठे हुए हैं सब लोग ऊपर, क्या हो रहा है ऊपर भाई? और जेपी अपना लेटे हुए हैं, सारे नेता लोग बड़े बड़े जिसमें जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, अटल जी, अडवाणी, सब लोग बैठे हुए हैं। और बहस क्या चल रही है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम थे बहुत शार्प और मेरे दिमाग में घंटी बजी कि अबे 74 से, 74 नहीं 73 से मैं लगा हुआ हूँ और अब ये लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। हम कहे चलो इधर से यार। दूसरा सेकंड नहीं लगा हमको और ना आज भी लगता है निर्णय लेने में। निर्णय हो गया तो हो गया कि भैया ये इस योग्य ही नहीं है। और वो दिन उसके बाद तो मैं था ही नहीं, लेना ही देना नहीं था किसी से, वरना मैं आज सत्ता उनके साथ होता तो मैं भी कहीं अंतरी मंत्री संतरी होता उधर बैठा हूं। सही तो बात। कुल मिलाकर क्या है कि जेपी मूवमेंट जिसको हम मूवमेंट कहते हैं वो मूलतः बोल दूं क्या? बोलिए बिल्कुल बोलिए। आप भैया शायद शायद खिचड़ी विप्लव की बात कर रहे हैं। हाँ, कि वो एक दूसरा दल खड़ा हो रहा था जो अभी हम बोलते रहते हैं ना कि भाई अरे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो एक दूसरा दल खड़ा हो रहा था कि मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया। और अब आप देख सकते हो कि 77 के बाद इन लोगों ने क्या किया। सारे तो कोई छुपा हुआ तो नहीं है, आपसे भी नहीं छुपा है, हर जगह सारे नेता लोग आए हैं, आपके सामने है। अब कोई कहे कि भाई जी मैंने पुल बना दिया, जी मैंने ये कर दिया, मैंने ये स्कीम, अरे ये तो नहीं भी करते तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता सही है। चलते चलते सड़क बन जाती है, गांव में सड़क बनाने की जरूरत पड़ती है क्या? मेड़ अपने आप बन जाता है, रास्ता बन जाता है, इधर से चलते चलते रास्ता बन गया। तो मेरा मानना आज है कि विकास जो है वो क्राइसिस में नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि आज जब कोई चीज बन रही है तो मुझे समझ में ना आए कि ये क्यों बन रहा है, मतलब फ्यूचर बस अब प्लानिंग की आप बात समझ कर में रहे आए हैं। कि ये अच्छा ये इन्होंने देखा था इसलिए 25 साल पहले ये बना था या 10 साल पहले ये बना था। खैर, तो मूवमेंट जो है मुझे कोई, अब उसके बाद यानी 77 नहीं, इसके उसके बाद ही जो है मुझे लगा कि मतलब जवान थे इसलिए ऐसा नहीं लगता था कि समय बर्बाद किया, वो पिकनिक जैसा था हम लोगों के लिए। मतलब सीआरपीएफ आई है, पेपर छप रहा है तो छत से जो है उच्च जा जाकर पेपर देंगे, ये कुछ भी करना था वो जवानी में। आज भी जवान लोग, शायद आज जवान लोग उतना रिस्क न लें जितना हम लोगों ने रिस्क लिया था उस समय में। और वाकई एक जो कहते हैं ना कि सत्ता परिवर्तित की गई, वो छात्रों ने किया था, वो दम था, वो दिखाई देता। तो भैया उस दौरान साहित्यकार थे, वो आगाह तो कर रहे थे लोगों को, जैसे हाँ, ना बाबा कर रहे थे लगातार कविताएं जो है उनकी, कि खिचड़ी सब विप्लव लोग देखा कर हम। रहे थे, रेणु मतलब हाँ नागार्जुन बहुत मुखर सबका थे, सहयोग था, सबका सहयोग था। मुद्दा ये था कि किसी एक के विरुद्ध सब खड़े हो गए क्योंकि वो एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने था और जिसने एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था और सबको लगा कि ये आपको नहीं करना चाहिए था इमरजेंसी। उसके अलावा उसके पहले भी कुछ जो कहानियां चलती थी वो, और भी जो उनके संजय गांधी को लेके और इसको लेके कि भाई उनका वर्चस्व है वो डोमिनेट करते हैं, वो ये कहते हैं, वो कहानियां दंत कथाएं जैसी जो है चलती रहती थी। तो उससे लोगों को जो है झटका लगता था कि यार
सत्ता का मतलब है कि जो हमने नेता चुना है वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, कोई तीसरा आदमी आके कहे कि ये जो है आदेश देते हैं। जैसे वो क्या नाम उनका प्राइम मिनिस्टर थे, गुलजार साहब, नहीं गुलजार, गुलजारी नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा मिनिस्टर थे, संजय गांधी सर पंगा हो गया उनका, उन्होंने कहा कि मैं आपकी माँ के मंत्रालय में उनके उसमें हूं, मैं उनका आदेश लूंगा आपका नहीं लूंगा, गायब हो गए, उनको छोड़ना पड़ा, तब तो वो जनता आईके पार्टी में है। गुजराल के साथ भी हुई हाँ, है। आई के गुजराल के साथ, तो इसीलिए वो सारे लोग जुटे, और अगर लोग जुटते नहीं, इसीलिए वो साहित्यकारों की बात तो जो है ठीक है कि वो लोग थे, क्योंकि उन एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था जोड़ने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मूवमेंट तब तक नहीं सफल हो सकता है जब तक आम जन खुद ब खुद उसमें हिस्सेदारी न ले। मोमबत्ती नहीं जलाते, घंटी नहीं बजाते, वो फीलिंग होती थी। क्या फीलिंग थी? भावुक नहीं थे वो। मुझे याद है कि चार जून 1974 में वो कुछ बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला था चार, तो उसके पहले हुआ क्या कि सब लोगों को खाना इकट्ठा करना है क्योंकि कुछ लाख लोग आएंगे, तो कितने लोग आएंगे, तो हम बाकरगंज में जो है कुछ 10,000 लोगों को जो है रखना है, पूरे देश से लोग आएंगे तो 10,000 लोगों की व्यवस्था करनी है, तो स्कूल में या जहां भी इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसा भी ना कि आए वो अरेस्ट हो जाए, तो कौन सी ऐसी गुप्त जगह उनको उन्हें रखना है, खाना कैसे उनको दिया जाए, पैसा तो ऐसे होता नहीं था किसी के पास, तो सारे घरों में कहा गया कि भाई खाना आप जो भी दे सकें, रोटी और दाल जो भी है वो आप हमें दें, सूखा दें, वो हम करेंगे, फिर होटलों में कहा गया। एक घटना याद आती है बाकरगंज में, वो जब नटराज की गली से अंदर आप जाओगे तो एक घर था, हम लोग रात में यानी जो पोस्ट ऑफिस, अब कहाँ रोटी कहाँ रखें, चावल कहाँ रखें, तो जो पहले तो पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट उसके पास पोस्टमैन के पास वो होता बैग होता था ना, जिसमें वो पूरी चिट्ठियां लेके बड़ा बड़ा थैला, तो थैला दे दिया गया था, हम लोगों ने थैला धो के उसमें रोटी रखने का इंतजाम किया था और चावल रखने का, तो वो रात में लेके निकले, रात में 8 बजा होगा, एक घर को खटखटाए और वो घर जो है उसने दरवाजा खोला, वो हस्बैंड वाइफ थे, तो हम बोले अरे क्या बात, वो खाना खा रहा था, हम बोले क्या भाई भूल गए क्या, वो खड़ा हो गया घुटने के बल ऐसे बैठ गया, बोले हम तो जुठार दिए, हम बोले अब जुठार क्या दियो, लाओ उसमें से एक रोटी दो। वो रोने लगा, क्यों रोने लगा, क्योंकि वो दलित था, उसने उसको लगा कि मेरी इतनी इज्जत की गई है कि मेरे थाली से एक, कि हम लोग ऊंची जात के लोग हैं तो ये तो मेरे घर आके खड़े हुए हैं, ऊपर से जो है जूठा रोटी ले रहे हैं, आज आप ये कल्पना कर सकते हैं, गाँव वाँव में होता होगा हमको नहीं, लेकिन ऐसी कल्पना शहरों में नहीं होती। तो वो जो है ऐसा जुड़ा कि उसे कह दें कि भिड़ जाओ तो कहीं भी भिड़ने को तैयार, तो ऐसे लोगों का जुटान था जो आम जन थे, जिनको कि आज तो आम जन का मतलब ही नहीं दरअसल समझ में आता है। तो आज के दौर को कहा जाता है अक्सर अघोषित आपातकाल, तो उसकी तुलना में कैसा लगता है आज का दौर आपको? मतलब आज भी दलित एक्टिविस्ट को पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, इस तरह से लगातार हो रहा, महामारी आज के दौर तो में भी हो रहा है। देखा जाए तो आज तो सत्ता कर रही है, आज हाँ तो आज जो है अगर ऐसे देखें तो आज सत्ता कर रही है, उस समय तो हम ही लोग कर रहे थे, ये फर्क है। नहीं, आपातकाल तो उस वक्त भी सत्ता ही कर रही थी, नहीं, आज भी। आपातकाल में भाई, आपातकाल में वो क्या करेंगे जब हम ही करने को तैयार थे, हैं? सही बात, तो आज की तारीख में, और देश कहीं इतने साल में बदला थोड़े ही, हमारी पुरुषों की मानसिकता बदली है क्या?
वो हम बिला वजह फिलोसफी बतिया दे तो बात अलग है, लेकिन पुरुष की मानसिकता वही है स्त्रियों को लेके, उन जातियों को लेके, क्या भैया बोला जाए, क्या कहा जाए। गड़बड़ी कहाँ हुई फिर? मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ी जो है वो हमारे बहुत पहले से शुरू हो गई है, जो कि हमने जो चीजों को पढ़ा है शायद वो भी हमने जो है जो समझा है उसको दूसरे नजरिए से समझा दिया गया है। कि जैसे मुझे, मैं खुद सामंती प्रवृत्ति कर रहा हूँ, सामंती परिवार की हूँ, और वो सोच रही है औरतों को लेकर, वो सोच रही थी कि भाई औरत कैसे खड़े हो जाएंगे, हड़ो भाई सामने से। ये बात समझ में आई मुझे 78 में। वो 78 में कैसे समझ में आई बात, कि ये जो थिएटर में मुझे कुछ लोग मिल गए जिसमें एक नाम था सरिता सिन्हा, एक नाम था माया सिन्हा, एक नाम था श्रुति शुक्ला। इन लोगों ने लिटरली, जैसे कहा जाता है कि पीट पीट के टीन को जो है किसी एक शेप में करना। सरिता तो बैठा देती, बैठिए इधर, हिलना नहीं है आपको, तो क्या बकवास कर रहे हैं, चलिए बैठिए, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमको तो गुस्सा चढ़ जाता है, तो काट दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठोक ठोक के ठीक किया गया है और मैं ठीक हुआ हूं। और मुझे आज बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अभी भी ठीक हो रहा हूं। तो आप सोचिए कि इतने समय बाद भी मैं ठीक हो रहा हूं, तो कितना टाइम लगेगा देश में पुरुषों को ठीक होने। तो तो भैया व्यक्तिगत स्तर पे आपको ठीक होना पड़ेगा, कोई सामाजिक विस्फोट या बदलाव या कोई क्रांति ठीक नहीं कर सकती है, व्यक्तिगत स्तर पे आपको ठीक करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि ठीक करने के लिए स्त्रियां ही जब आगे बढ़ेंगी तभी पुरुष ठीक होंगे। आप कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाँ सांस्कृतिक? हाँ मतलब अब इसको वो कह सकते हो, इस टर्म में आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे अगर थिएटर से कुछ मिला है तो यही एक चीज मिली है कि मैं आज अपने आप को ये पाता हूं कि मैं आदमी। तो भैया कहा तो ये जाता है, मतलब मैं उल्टा सवाल कर रहा हूं, आप समझिएगा, कि थिएटर जो है वो एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, मतलब दृश्य काव्य, दृश्य काव्य। लेकिन एक शब्द और आता है नाट्य शास्त्र में, वो उसका जिक्र बहुत कम होता है, कहते ऑडियो विजुअल मीडियम तो है बट एजुकेशनल मीडियम भी है, उसमें शिक्षा शिक्षा जुड़ती है। कि मतलब जो नाट्य शास्त्र में भी जो कथा है उसमें फाइनली यही है कि समाज के लिए है, समाज के उसके लिए। आखिर का भरत वाक्य वैसे। हाँ, भरत वाक्य जो है, या भरत वाक्य पूरा जैसे प्रक्रिया आप बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप सिर्फ नाटक के प्रोसेस में नहीं बल्कि एक समूह में आकर के कुछ सीखते हैं और कुछ जुड़ते हैं। तब सवाल ये है, सवाल ये है कि ये जो एजुकेशनल मीडियम है इसको क्यों काट दिया जाता है? कोई क्यों नहीं बोलता कि दिस इज द एजुकेशनल मीडियम? मतलब ये बहुत प्रॉपर पॉपुलर टर्म में यूज नहीं करते हैं, बोलते ऑडियो विजुअल मीडियम, यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। क्या क्या कष्ट होता है थिएटर वालों को ये बोलने में कि ये एक एजुकेशनल मीडियम भी है? एक तो जो है, अगर आप देखना शुरू करें तो कहीं भी आप अगर थोड़ी देर के लिए थिएटर को किनारे कर दें, स्कूलों की बात करें, जाहिर है कि आप शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले मूल रूप से शिक्षा जो है वहीं से प्राप्त होती है। तो मूल रूप से आप अगर शिक्षा का जो प्रावधान है, जो हमें दिया जाता है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसकी पॉलिसी ये है कि भाई तुम्हें इम्तहान पास करना है, डिग्री लेनी है, डिग्री लेनी है। डिग्री क्यों नौकरी। लेनी है, क्योंकि नौकरी करनी है। तो सारी चीजें बदल गई, अब तो हमको डिग्री लेनी है। डिग्री लेनी है तो वो कुंजी का छपने लगा,
कि भैया 10 क्वेश्चन जो है वो आता है, लो ये 15 क्वेश्चन का याद कर लो, इसमें से 7 लग जाएगा, 5 लग जाएगा, पास कर गए तुम 45%, 50%। तो अब जो आप उस सवाल जो आप कर रहे हैं कि कहाँ मिसिंग है, ये मिसिंग संभवतः बहुत पहले से जो हमारा वो जो धन पशु मतलब जो धन के आधार पे समाज को देख रहे थे, जिनके पास धन था, उन्हें संभवतः ये एहसास था कि क्योंकि सत्ता वही बनाते हैं, नेता नहीं बनाता है सत्ता। ये पता नहीं, ये मुझे ऐसा इतने दिनों में ये समझ में आया है कि सत्ता वही बनाते हैं, धन पशु। तो उन्हें ये एहसास था कि अगर हम इनके अंदर बौद्धिक शक्ति डालने लगेंगे, तो सवाल बुद्धि करेंगे। बल अगर इनका बढ़ेगा, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। यही बात इसी के विरुद्ध जो बाएं का विचार था, इसी के विरुद्ध खड़ा हुआ। लेकिन बाएं ने अपने ढंग से पंगू करने की शुरुआत कर क्यों, दी, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। वहां तो डाउट एवरीथिंग है। भाई आप मूल मुद्दा ये नहीं है, हम सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि सिद्धांत को कोई एक आदमी जब अपने प्लेटफॉर्म पर रख के कहता है इसे फॉलो करो, तो आपको उसे हटा देना चाहिए, मूल किताब पढ़ के समझना चाहिए। कि जैसे कि गीता हम अगर लें तो हम किसी पंडित के पास जाके ना समझें, खुद उठाएं, खुद अर्थ समझें, हो सकता है 10 साल लग जाए। वैसे ही बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं, मुसलमानों को वो ग्रंथ खुद उठा के समझना चाहिए, क्रिश्चियनों को वो ग्रंथ खुद उठा के समझना चाहिए कि भाई ये क्या कहता है, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं जीवन, क्योंकि वो अगर हम समझ लेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। तो फिर मिडिल मैन की क्या भूमिका रह जाएगी भैया, जो कहता है कि भाई मैं एक आपको मिडिल कनेक्ट मैन आप, कनेक्ट कनेक्ट कर रहा हूं। तो मिडिल मैन आपको खिला रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पॉलिसी जो है कह रही है कि आपको नौकरी करना है, मतलब आपको धन कमाना है। नौकरी करने का मतलब ये नहीं है सेवा करना है, नौकरी करने का मतलब है धन कमाना है, मतलब आपका जीवन धन हो चुका है, आप धन की तरफ बढ़ रहे हो। धन प्राप्त करने के लिए तो मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, धन अपने आप तो मल्टीप्लाई होता नहीं है। जी अंतरात्मा, आप थोड़ा सा रंगमंच की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल आए। तो मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ लिखा था ये जी 20 साल पहले, किसी ने बहुत जिद करना शुरू कर दिया कि कुछ लिखिए कुछ लिखिए, भैया कुछ लिख दीजिए, एक मैगजीन छप रहा है इलाहाबाद से, हमने बहुत कहा हुआ वो पीछे लगा रहा, तो हमने कुछ 20 पन्ने लिखे। मैं खाली पहला पन्ना आपको सुना जी दूं, तो आप, ये मेरा कन्फेशन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपको सुना देता हूं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं हूं कौन। बिल्कुल वैसे आप कौन है वो वाला भी एक सवाल है मेरे पास, लेकिन हाँ, उसको वो बाद। मैं जरा इसे पढ़ दूं, तुरंत हो जाएगा। जी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे अपने जीवन में कहीं भी कलात्मक रुझान नहीं दिखाई पड़ता। संभवतः सच यही है कि जब से होश संभाला है, हर कलात्मक चीजों से मेरा बैर रहा है। हमेशा ही खोल दो, तोड़ दो, फेंक दो, जला दो, पीट दो, मार दो, डांट दो, हर बार वही भाव आते हैं जो कलात्मकता की छवि से दूर है। फिर भी इतने दिनों से मैं अभिनय की तलाश में हूं, और आज जब पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता हूं, तो पाता हूं कि एक पहलवान अभिनय करने की कोशिश कर रहा है पिछले इतने सालों से। बचपन से ही मैं जरा गर्म दिमाग और सामंती प्रकृति का होने की वजह से डोमिनेट करता रहा हूं, और वैचारिक रूप से मेल शोविनिज्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति रहा हूं। मूल रूप से मैं अपने आप को एक अनसोशल व्यक्ति पाता हूं। मैं पाता हूं कि
कि क्रोध भय आतंक विभत्स यही मेरे अलंकार हैं। मैं एक अनुशासित और संस्कारी परिवार में जन्मा और पहला विरोध अनुशासन से ही हुआ और जीवन में पहली बार मैंने विरोध की भाषा सीखी और वो उम्र रही होगी 3 या 4 साल की। तो मैं आज भी पाता हूं कि मेरा विरोध हो जाता है और मैं कलात्मक तरीके से कभी कोई चीज मुझे समझ नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। मैं आज भी मैं अपने आप को वैसे ही पाता हूँ, लेकिन जुड़ा हुआ हूँ, तुम लोग जुड़े हुए हो, तुम लोग एक विश्वास के साथ जो है कहते हो कि जी मैं जानता हूँ, तो मुझे लगता है ये कह रहा हो तो जानता ही हूँ भैया। तो एक तरफ तो कहते हैं भैया कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, दूसरी तरफ जब आप हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया बहुत लंबे समय तक, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, अभी सतीश भैया से बात हो रही थी, सतीश आनंद से, तो मैंने उनसे पूछा कि विनीत विनीत कुमार को आप क्या मतलब कैसे याद करते हैं, तो जो शब्द उन्होंने बोले मैं पढ़ देता हूँ, हार्ड वर्क, ठीक है, जुनूनी, लगन, मेहनती, और उसके बाद एक कथा उन्होंने सुनाई कि वो एक ऐसा जिन था जिसको काम ना दो तो पागल हो जाता था, कि मतलब वो मतलब कहते थे कि मेरे लिए उसके लिए काम ढूंढना मुश्किल हो जाता था कि अभी बोला और अभी खत्म। हमको याद है कि वो रिहर्सल चल रहा था, रिहर्सल में वो बहुत टेंस रहते थे, उनका उनका रोल जो होता था, तो हमको काम दिया, हम तो हमको लोग कहते थे ये सतीश आनंद का हनुमान है। तो अब खत्म हो गया रिहर्सल, हम पहुंचे, हमको तो किसी से डर भय नहीं रहता था ना, खड़े हो गए एकदम ऐसे आके, तो उनका रिहर्सल चल रहा था, उनको लगा ये हिलेगा नहीं, ऐसे देखे, बोले क्या है, बोले काम खत्म, बोले बाहर जाके खड़े रहो। अब मैं बाहर जाके खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ बाहर, कि बोले बाहर खड़े रहो, तो हम बाहर खड़े रहे, रिहर्सल खत्म हुआ, दरवाजा खुला, बाहर बोले यार तुम्हारा मैं क्या करूं, काम नहीं हो तो छुट्टी दो, मेरे और भी काम पड़े हुए हैं, नहीं वो तो बैठूंगा। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि शायद उनके घर में भी, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कह रहे थे कि उनके घर में भी शायद लोग कहते थे कि वो कौन लड़का है जिसको काम चाहिए होता है हमेशा, तो ये ऐसे याद कर रहे थे। तो ये इन सब चीजों के बाद जो बात करने के बाद पता चलता है कि जो आप ये कहते हैं कि मैं हमेशा भिड़ जाने वाला, लड़ जाने वाला, और ये उसे एक बहुत हार्ड इमेज आती है, लेकिन जब बात करिए तो लगता है नहीं, ये हार्ड इमेज जो है एक दूसरी बात है, ये आदमी हार्ड है नहीं। मतलब हार्ड तुम लोगों ने देखा नहीं है ना। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, तो नहीं गुस्सा किसको आता है? गुस्सा तो आता है जैसे कोई एक आदमी, जैसे हुआ क्या कि रिहर्सल चल रहा था, रिहर्सल में एक लड़के को स्मॉल पॉक्स हो गया। अब स्मॉल बॉक्स हो गया तो भाई आप आ नहीं सकते हो, तुम आराम करो। तो सतीश जी जो है उसको बोले तुम आराम करो, फिर पता चला कि वो उसने कहा कि काला तुम हमको नाटक में आने नहीं दिए हो तो हम तुम्हारा होने ही नहीं देंगे नाटक, रिहर्सल में एक बम मरवा देंगे, का वो कुछ अपना बोले हो। ये हमको पता चल गया, हमको पता चल गया तो हम कहे अच्छा ऐसा कैसे वो बोल सकता। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े पहलवान, यानी मतलब कि पटना पर राज करने वाले, अंदर से वो ताकत थी कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो सही है तो वो होगा। तो जमाल रोड से क्रॉस कर रहे थे, हमको लगा कि इसका तो निवारण करना होगा ना, कहीं वाकई लेके आ गया तो 4 लोगों को बोलना होगा, तो हम ऐसे जा रहे थे, सामने से वो चला रहा था और वो अंधेरा रहता था, उस वक्त तो अंधेरे में बापीदा वहीं रहते थे, बापी बोस, वो अब वो साइंस कॉलेज में जियोलॉजी के वो थे, और वो एक साथ कई चीज बजाते थे, ड्रम गिटार 5-7 चीज एक साथ बजाते थे। उनके घर के पास जो है थोड़ा उजाला था, उसके पहले हम थे, तो जा रहे थे तो अचानक वो मेरे सामने थोड़ा चौड़ा, हम भी चौड़े थे वो भी चौड़ा, आके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम लोग जो है ये कहे हो कि हम रिहर्सल में नहीं आए, सुने तुम लोग शिकायत की हो सतीश आनंद से और ये फलाना ढमकाना,
सामने से उदय चला आ रहा था, वो मेरा पुराना मित्र था, वो अब नहीं है, वो पीछे से चला आ रहा था गोरिया टोली से। उसने मुझे देखा कि वो उधर से आ रहा था, ये इसका चेहरा बैक था, उसने देखा तो उसने कहा कारे बने तो आप कहाँ होते हो। उसने आवाज सुना, घूमा और उसने कहा भैया प्रणाम, और उसके बाद धीरे से कहा कि अच्छा नहीं नहीं जाने दो जाने दो जाने दो चलते हैं। उसके बाद दोबारा नहीं दिखा क्योंकि उसको उधर दिख गया। चलिए सीधा सर। हाँ, चलिए। अब जो है इशू ये है कि मुझे क्या लेना देना था भाई, रिहर्सल होगा हम करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, लेकिन हम जहां पे हैं वहां अगर इस तरह की चर्चा हुई है किसी दूसरे चौथे दसवें ने की है तो उसका हल समाधान भी मेरी जिम्मेदारी है। तो सारी जिम्मेदारियों के साथ हम वो काम करते रहे हैं। रिहर्सल अपनी जगह, जब रिहर्सल होगा रिहर्सल करेंगे, जब ठेला पेरल लदवाना होगा लदवाएंगे। काम करते समय काम में जो है अड़चन, इसीलिए सतीश आनंद जो है हमको ही देते थे, वो जानते थे कि इसको दूसरे तीसरे खुद ही चुन लो, ये अकेले काफी है, मेरे अंदर उतनी ताकत थी। आज इसीलिए हम जब कहते हैं कि हम आराम करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि काम तो आज है ही नहीं, तुम जो 24 घंटे में काम करते हो वो आधे घंटे का भी काम नहीं है। तो भैया कला संगम कैसे आना हुआ? मतलब जो जो सिनेरियो बता रहे हैं कि मूवमेंट चल रहा है, चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मची हुई है, तो इस एक बड़ा ही अननेचुरल से माहौल में एक एक युवा कैसे डिसाइड करता है कि उसको कलाकार बनना चाहिए? नहीं अब क्यों डिसाइड वो करता है? तो जो है क्या हुआ कि दरअसल जो अफरा तफरी जो तुम बोलते हो ना, तो हमको ऐसा कभी लगा नहीं कि जो मूवमेंट में किसी उस तरह से कहीं कोई अफरा तफरी मची होती थी। जीवन सबका चल रहा है, उनको मालूम है कि अंडरग्राउंड कुछ हो रहा है, ये सबको एहसास नहीं होता था। अगर सबको एहसास होने लगता तो मूवमेंट खड़ा ही नहीं होता, मूवमेंट हमेशा अंडरग्राउंड चलता है। इसीलिए जब अन्ना का मूवमेंट हुआ तो हमने कहा ये फार्स है, लोगों ने कहा यार तुमको तो हर चीज ऐसे ही दिखता है। बोले कैसे नहीं दिखेगा, मूवमेंट जब चलता है तो साउंड नहीं होता है, वो अंडरग्राउंड चलता है, वो किसी को नहीं दिखता है, एक दिन ऊपर निकलता है फिर गायब हो जाता है, और वो जो निकलना है वही लोगों को दिखता है, ये क्या था। फिर उनकी ट्रेनिंग अंडरग्राउंड चलने लगी, तो वो खैर ये मूवमेंट था। वो दरअसल क्या है कि मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई जो है वो आईपीएस हैं IT बैच के, उनके दोस्त अमरेंद्र दुबे जी जो अमृत। फोटो खींचते थे, फोटोग्राफर थे, प्रेस फोटोग्राफर भी थे, बहुत अच्छा खींचते थे, तो वो डेली घर आते थे, तो वो तुगलक में वो भी थे कला संगम में, तो वो जो है पीछे लगे रहे, रोज आए कहें कि अरे चलो तुमको रोल दिलाते हैं। अब हम जो है पटना मार्केट में शाम के समय लड़की ताड़ने वाला कॉलेज में फर्स्ट ईयर में लड़की, मूलतः कोई और जॉब, सारे लड़कों का, शहर भर के लड़कों का ही काम है, कोई यहाँ आए कोई वहां, और करेगा तो क्या करेगा, एक तो लाइब्रेरी थी, सिन्हा लाइब्रेरी, कोई जब नहीं करता था, चार ठो आदमी नहीं बैठता था। तो शाम के इंटरटेनमेंट में क्या है, या तो सिनेमा जाइए, सिनेमा देखने को शौक हो तो शाम के समय अपना वो पट्टा मार्केट में बैठे हुए हैं इधर उधर, अपने लेने ना हमको ना हमको हमको टाइम नहीं है, बहुत काम रहता है हमको। तो जो है 1 महीना बीत गया, भैया रोज सुने की आता है कुछ बोलता है दुबे इसको, और ये सुनता ही नहीं। एक दिन भैया बोले अरे जाके देख लो ना क्या बोल रहा है। अब जिसे पहलवानों को कहा जाता है ना, गावा लोहा देख उठा लो, देख क्या रहे हो, तो पहलवान उठा लेता है अपना लोहा, तो वैसे ही हम देखने चले गए। देखने चले गए तो वहां मतलब भी आपकी आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि एक्टर बनना है? प्लानिंग, हमको तो मालूम ही नहीं था, हम तो वहां पहुंचे तो हमको क्या हो रहा है, हमने देखा कि लड़कियां बैठी हैं उधर, हम कहा आए यहां तो लड़कियां बैठी हैं, फिर उनके बाद देखे हम कहीं ये क्या टहल टहल के बोल रहे हैं,
सतीश भैया सुन रहे हैं, सतीश भैया सुन रहे हैं, हाँ तो बोलिए। सतीश भैया तो सुन भाई, उनको तो अरे उनके बारे में बता देंगे ना कि क्या बोले थे, इतने तो झंझना दिए, कुछ बोल रहे थे डायलॉग हम वो अंधा युग में दे दिए, वो भी बड़ा घबराते थे कि अरे पता नहीं ये पहलवान आदमी है, इससे होगा कि नहीं 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 वो होगा। कहानी कहानी कंटिन्यू कीजिए, वो पहुंचने वाले जब देखे हाँ तो तो। जब हाँ पहुंचे तो देखे हम, उसके बाद हम पूछे तो दुबे जी बोले अरे ये लोग डायलॉग बोल रहे हैं, हम बोले ये कहाँ से बोल रहे हैं, बोले अरे ये किताब है ना, हम बोले अच्छा ठीक है। अब ये सोचिए कॉलेज में पढ़ रहा हो आदमी, नाटक ऑलरेडी पढ़ चुका है और ये नहीं समझ पा रहा है कि वो नाटक की किताब है, अच्छा ये नाटक में ये लोग याद करते। तो सतीश जी जो है वो मिला दिए दुबे जी, तो कहा अच्छा तो तुम आओ। अब क्या है कि वो उर्दू, और मेरा मूल रूप से मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का हूं, तुगलक जाति की का है बात, मेरी, तुगलक नाटक की बात कर रहे हैं तुगलक तुगलक जी, ये उसमें उन्नीस उर्दू, तो कम से कम 500 लड़के भागे होंगे क्योंकि उर्दू वहां कहां बोले लोग बिहार में, नुक्ता तो लगा ही नहीं सकते। तो हम एक सहूलियत ये थी कि हम बोलते साफ साफ बोलते, तो उन्होंने हमको जो है क्राउड में खड़ा कर दिया। और 11वें सीन में एक तो मेरा डायलॉग हमको मिला जिसमें कि पहला लाइन जीवन का मेरे था कि कहते हैं अगले जुमा से इबादत शुरू करो, अब किसे पड़ी है इबादत की, ये पहली लाइन थी। तो हम जब बोले कहते हैं तो वो क्या हो जाए, कहते हैं अगले हैं हो जाए। अब ये जिसको देखो वही मेरा मजाक उड़ाने लगा, पृथ्वी था एक, वो बंबई में बंबई में वो सिनेमा उनेमा भी करता था, हुआ तो था सुधीर था एक, ये लोग मेरा मजाक उड़ाए। और हम बोले ये क्या मजाक, काहे मेरा मजाक उड़ाते हैं, काहे बोलते हैं कहते हैं, और हम बोले मैं तो ठीक बोल रहा हूं। यहां से शुरू हुई मेरी ट्रेनिंग। शुरू में गुस्सा आया, मजाक उड़ाया जा रहा था तो आपको। हाँ गुस्सा तो आया, लेकिन ये जो खोजने की ताकत मेरे अंदर थी वो रोक रही थी कि रुक भाई ये हंस रहा है, पहले तो इसकी हंसी मैं बंद करूं। तो बरसों बाद पृथ्वी मिला तो गले लगा और हमने कहा और कहते हैं, वो गले लग के हंसा, बोला यार तू बहुत अच्छा करता तो ये कहते हैं भैया ठीक हुआ, कैसे ठीक हुआ है। वो? हाँ वो ऐसे ठीक हुआ कि धीरे धीरे समझ में आया कि जब आप बोलते हो तो अंतिम जो अक्षर है वो जो भी स्वर शब्द जो अक्षर है उसकी स्वर तीन स्वर दिशाएं हैं, नहीं वो अक्षर होगा, जैसे कि आप राम बोल रहे हो तो वो म है, तो जी वो म जो है वो अक्षर जो है उसकी तीन दिशा है, या तो ऊपर की तरफ ले जाओ, या तो सीधे ले जाओ, या नीचे की तरफ ले जाओ। तो हम जो है ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर मत खींचो, ये समझ में आया बाद में। 2 साल बीता, 3 साल बीता, कितना साल बीता बीता समझे, और जो ही हैं आए ना मैं ड्रॉप कर दूं, हैं तो ऊपर तो ना खींचू ड्रॉप कर दूं। तो धीरे धीरे चीजें समझ आए, कोई वहां ट्रेनिंग थोड़े दे रहा था एक दूसरे को, भाई वो लड़के ही नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग क्या दें, ट्रेनिंग देंगे तो और भाग जाएगा। तो ऐसे जो है मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कला संगम में थे जहां की ठोस रूप से काम होता। तो भैया वहां जो है आपको जुलूस उसके मतलब 2 साल के पीरियड जब आप गए, 75 में, तो 75 में 9 महीने तो खाली तुगलक का रिहर्सल चला था, अच्छा इतने महीने मतलब भागे। हाँ 9 महीने तो9 महीने मतलब भाग जाते थे ना, और एक दो लोग थे, इतना लंबा कास्ट था, क्राउड था। तो इमरजेंसी में जो है शुरू हुआ था जुलूस नाटक। नहीं सवाल कुछ और है भैया कि हाँ जुलूस और जो पहला दिन आप गए उन दोनों के बीच का पीरियड कितने दिन का था? लगभग 2 साल का, जब आप पहले दिन कला संगम गए और जब जुलूस हुआ कि जुलूस होगा जिसमें जुलूस नाटक आप, तो 77 में हुआ था, नहीं सत्ता बनने के बाद हुआ था, हाँ तो इसमें मतलब थोड़े 3 3 लगभग 3 साल। 3 साल हो गए।
ठीक, उसके पहले तीन तो हमने साल ये भी कर लिया था, एक फेस्टिवल हो गया था, पहला जी फेस्टिवल किया था फुल लेंथ नाटकों का, क्या बैंड जी बजवाए थे सतीश जी हम, मेरा यानी सारा काम सारा उन तो मत वही सवाल वही है भैया कि ये 3 साल का जो पीरियड है जिसमें अगर ऐसे देखे बाहर मतलब ऐसे नोट करें तो बोले एक्टिंग के तौर पे मतलब बतौर एक्टर आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बतौर थिएटर आर्टिस्ट, बतौर थिएटर आर्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट है पूरी तरह से। तो जैसे सतीश भैया से ही बात हो रही थी तो सतीश भैया कह रहे थे कि हम थिएटर वर्कर बना रहे थे, हम थिएटर वर्क करते थे, नॉट एक्टर, क्योंकि कोई बैक स्टेज कुछ नहीं होता था। तो ये 3 साल का पीरियड में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कह रहे मुझे रोल ही नहीं मिल रहा, मुझे तो बड़े ये वाला रोल करना है, वो वाला रोल करना है, या फिर ऐसा नहीं लगा कि मुझे रोल नहीं मिला तो छोड़ देना चाहिए, क्यों? वो हमको मजा आने लगा था, मजा इसलिए आने लगा था कि हर चीज मेरे लिए लगता था अच्छा ये करना है, अब ये करना है मतलब कि अब आप बड़ा मोटा मोटा उदाहरण लोगों को लगेगा यार ये तो वाकई मूव था, तो वाकई मैं अगर देखिए तो इसे मूव था कि अरे सेट लेके जाना है, सेट लेके जाना है और पैसा भी जो है वो हम ही को दे देते थे, पैसा भी हम ही खर्च करते थे कि इतना है इतने में कर दो, अब वो ठेला वाला खोजते थे। अब ये सब जो है मुझे आज की तारीख में लगता है ये सब कलात्मक है कि आप वो व्यक्ति खोजते हो जो आपको समझ रहा है, वो आपके सेट को समझ रहा है, तो एक खोजे लंबा चौड़ा, और हम बोले कि कितना लोग है, बोले इतना लेंगे, हम बोले तुमको हम और देंगे, हेलो। तो वो कहने लगा अरे तो दो ठेले का सामान है, हम बोले अभी हम और ला देंगे। तो मतलब भैया आप इसी सवाल में थोड़ा सा बस खाली जोड़ देंगे, मतलब जब आप थिएटर करने की सोचते हैं कि मैं मुझे थिएटर करना है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक्टिंग करने को ही थिएटर करना या डायरेक्शन करने को ही थिएटर करना नहीं कहते। नहीं, हम आपको यहाँ पे इसलिए रोक रहे हैं कि जब आप जी ये जी सोचें कि थिएटर करना है तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जब उस समय मेरे समय में जिम नहीं होता था, अखाड़ा होता था, तो हम अखाड़ा जाते थे, कि जब आप अखाड़ा जाते हो तो आपको लोहा नहीं छूने दिया जाता है, आप बाहर एक फावड़े से मिट्टी पलटते हो और अपनी एनर्जी बढ़ाते हो, पूरा फावड़ा से मिट्टी कोड़ते हो, वो कोड़ी हुई मिट्टी कोड़ते हो, और उसके बाद जब जिम के अंदर पहुंचते हो तो पीछे खड़े रहते हो बड़े पहलवानों को और उनको उठा उठा के डंबल देते हो, चक्का देते हो, उनके पीछे पकड़ने के लिए खड़े रहते हो कि आपको तमीज आ सके कि लोहा कैसे उठाते हैं, कैसे छूते हैं, कैसे पकड़ते हैं। थिएटर में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको कम से कम एक साल अभिनय के बारे में सोचना भी नहीं, और आपको कॉन्टिन्यूअस बैठ के देखना चाहिए, और आपको सेट उठाने से लेके चाय बनाने से लेके चप्पल लोगों का उठाने से लेके चप्पल लाइन लगाने से लेके सब करना चाहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ह्यूमिलिटी क्या होती है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, आपका ईगो क्रश कैसे होता है, आपका एरोगेंस कहाँ कहाँ उभरता है, आपका एरोगेंस आपको अभिनय नहीं करने देता है, आपका ईगो आपको अभिनय नहीं करने देता है, ये सब तो कैसे क्रश होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक साल तक मिनिमम हम तो लगे रहे, हमको तो गलती से रोल मिल गया था उसमें, तो बसंत जी ये बीमार हो गए थे। हाँ वो आएंगे 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 भैया उस पर आएंगे। तो मतलब ये आज के भी लड़कों को बोल रहे हैं कि 1 साल तक कुछ नहीं करना चाहिए। सब ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि अभिनय तो आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक तुम अपनी प्रकृति नहीं जानते हो, तुम अभी सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और हग रहे हो, सो रहे हो, दैट्स ऑल, और एक जगह पढ़ाई करते हो, सर्टिफिकेट मिल जाता है, चार दोस्त हैं, माता पिता हैं, वो अपने ढंग से बनाए हुए हैं, आपकी राय, आप उसी राय में जी रहे हो, आप क्या हो खुद ये समझोगे तब आप समझोगे कि हमें करना क्या है,
जो ये बोल रहा है चरित्र कैरेक्टर, तो पहले अपना चरित्र समझ। पर आप तो ये अमेचर थिएटर के संदर्भ में बोल रहे हैं कि वो 1 साल तक उसको आना चाहिए और एक्टिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ढेरों इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर लोग प्रोफेशनली फीस देकर एडमिशन लेते हैं और एक्टर हो जाते हैं। तो आपको तो धारा भी मालूम है ना, आपको तो सारी सारा समूह मालूम ही है। अब ये सवाल ही जो जो है कि जो लोग निकल के आ रहे हैं तो क्यों नहीं अभिनेताओं का एक समूह पैदा हो पा रहा है, अगर वो एडमिशन लेके एक्टर सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट ले। आप मतलब ये प्रोसेस, आप प्रोसेस कह रहे हैं कि खेत जोतो, उसमें हल हल चलाओ, बीज डालो, वो जो पूरी प्रक्रिया है, फिर अनाज निकलेगा, मतलब देखो, एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसमें कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं। हाँ वो मालूम नहीं है क्योंकि आपको अपनी प्रकृति कब समझ में आएगी। अब जैसे हल जोतने की बात कर रहे हैं तो हल तो आपको तब तक नहीं जोतने दिया जाएगा जब तक आप हल कंधे पर उठा के ले नहीं जाओगे। हाँ, ठीक, नहीं तो बैल का जो है खुर हल तो खुर। सही पहले से नहीं समझ में आएगा। बात है, सही बात। तो कोई भी काम करने के पहले उसके शुरुआती दौर कि जो मेहनत है वो अगर मेरे शरीर के अंदर नहीं आएगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। बाकी विषय में भी ऐसे ही काम होता होगा। स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं भैया आप, बिल्कुल बिल्कुल स्टेप बाय बिल्कुल स्टेप, बिल्कुल। इत्मीनान से मेहनत, आराम, मतलब अब इत्मीनान से समझ कुछ समझ के। लोगों की बात अलग है, वो गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, अब गिफ्टेड लोगों का हम उदाहरण तो नहीं बना सकते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल कि एक बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैंने तो अभिनय भी किया, मेरा हो गया और मैंने कर लिया, और वो जो है अभिनय भी करना शुरू किया और लोगों ने कहा ये तो कमाल के अभिनेता है, उन्होंने कभी कोई ऐसा, इसका मतलब ये है कि उन गिफ्टेड था और उस गिफ्ट को उन्होंने सहेज के संवार के करना शुरू किया और वो अभिनेता हो गए। ये तो जो है हाँ, ये तो अपवाद हुआ, अपवाद अपवाद है ना, अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते हैं ना। नहीं तो, लेकिन वो भी आज जो कह रहे हैं गिफ्टेड हैं, तो उनकी भी सीखने की प्रक्रिया है, मतलब जो पहले दिन जब एक्टिंग करना रही उन्होंने शुरू होगी, वो किया दिखाई नहीं देती है ना। था। हाँ, जैसे जब आप किसी की भी बात करें, अगर आप बच्चन साहब की बात करें, तो बच्चन साहब की पहली फिल्म से लेकर अभी तक एक पूरी प्रक्रिया चल रही है सीखने की, शायद ऐसा कुछ। हाँ, नहीं, सिनेमा के बारे में तो हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, यानी करते हैं क्योंकि मेरा मूल रूप से मानना है कि सिनेमा में अभिनेताओं की आवश्यकता उस तरह से नहीं होती। चलिए थिएटर पे आते हैं तो फरीद भाई पूछूं। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ये बताइए, जब एक आदमी 3 साल लोहा इधर दे रहा है उधर दे रहा है, मतलब वो टेक्निकल चीजों में लगा, बाकी थिएटर के और काम में लगा हुआ है, अब 3 साल बाद उनको अभिनय करने का मौका मिलता है और नाटक होता है जुलूस, और नहीं उस नहीं उसके पहले मैं ये कर चुका था भाई, जुलूस के पहले खामोश अदालत जारी में पहुंचे, अच्छा, तब नहीं पहला मैं नाटक थोड़ा था मेरा। जी, नहीं, पहला नाटक नहीं कह रहे हैं आप, क्योंकि हाँ जुलूस एक जो है, जिससे भी बात करिए उस काल में, तो बोलता है कि जुलूस एक ऐसा नाटक है जिसमें मतलब उसके बाद लगा कि यहां से जो है उड़ान शुरू हुई है एक एक्टर की, मतलब वो जो लैंड, मतलब वो तैयारी जो चल रही थी आपकी, जो जो मैंने जो बात करी लोगों से, तो बोला कि ये जुलूस जिसमें बोल रहे हैं कि एक्रोबेटिक भी था, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत सब कुछ था, और किसी ने मुझे ये बताया कि आप जुलूस की स्क्रिप्ट जो है कम से कम 1,000 बार पढ़े। हर स्क्रिप्ट पढ़ते थे। नहीं हाँ, तो ये क्या मतलब आपको क ख ग घ नहीं आता है क्या? क्या करते हैं नहीं 1,000 बार? आप, हम याद नहीं कर सकते। याद करने का मतलब है कि आप बोल रहे हो, और थिएटर में अभिनय में हम बोलते नहीं हैं, कहा जाता है वो होता है, तो होगा कैसे जब तक वो आत्मसात नहीं होगा। आत्मसात कैसे होगा? पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते वो एक दिन उबाऊ हो जाएगा, और जिस दिन वो उबाऊ हो जाएगा उस दिन आप कहोगे भाई क्या बकवास है, और उस बकवास में आप अपनी एक समझ पैदा करने लगोगे,
और तब आपको वो बकवास समझ में आने लगेगा, तो ये जो वरना अब आप एक, डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छा एक होता है भैया कि याद कर लिए हम, ठीक है स्क्रिप्ट मिले, रोल मिला, याद कर लिए, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप करके याद कर लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं याद करना है, याद ही नहीं करना है। नहीं, वो दिखाई देता है यार मंच पे, आप मतलब काहे दिखाई देता है कि याद क्यों है। तो मैं यही बोलता हूँ यार, स्क्रिप्ट भिजवा देते, प्ले भिजवा देते, हम घर पढ़ लेते। अब याद करके खड़े होकर नाटक सुना रहे हो। अब हम नाटक सुनने नहीं गए हैं, हम नाटक देखने गए हैं। ये दोनों में क्या फर्क है? हमको तो मजा आया कि कपड़ा पहन के जो है मेरा भाई जो है वो इधर उधर घूमा, डायलॉग बोला, मजा आ गया हमको तो भाई को देख के वहां पर। ये समझाया नहीं जा सकता है। ना हाँ, लेकिन लेकिन फिल्मों में, टीवी में खासकर, वो एक एक पन्ने का डायलॉग आता है सेट पर सीधे, और आर्टिस्ट उसको याद कर लेते हैं फौरन और वो बोल भाई देते हैं। देखिए कि जब आप सिनेमा और टीवी की बात करते हैं तो सिनेमा और टीवी में इकलौता, इसीलिए कह रहे हैं कि वहां अभिनेता की जरूरत नहीं उस तरह से। वहां डायलॉग याद करने वालों की जरूरत है। वो आप डायलॉग याद कर लिए, आप भूल गए, कट हो गया, कैमरा एंगल बदल लिया, फिर कट हो गया, फिर भूल गए, फिर कट हो गया। अगर आप 4 बार भूले तो पता चला कि यहाँ पे फंबल हो गया, तो वो सामने वाले का क्लोज लगा दिया, आपका एक लाइन टेप कर रिकॉर्ड कर लिया। तो टेक्निकल मीडियम है ना। हाँ भैया, लेकिन वो आप हंस दिए और हंसी में बहुत कुछ था, वो बोलिए ना थोड़ा सा। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जब जब तुम याद करोगे, जैसे कि आप, अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये सब लगभग सभी के जीवन में आजकल भी होता ही होगा कि आपको घर से निकले हैं आप शाम के समय, और आपके की माता जी ने ये कहा कि भाई आज आ जाना, बिल्कुल 9 बजे के पहले तक आ जाना, बाबूजी आने वाले हैं, एकदम ये काम एकदम आज यहाँ भूलना मत, 9 बजे के पहले आ जाना। आप जो है जाते हो और इस वक्त 9:30-10 बज रहा है, आप भूल चुके हो और आप घर की तरफ आ रहे हो, और गली में जब घुसते हो, और ज्यों ही गली में घुसते हो तो तब हम लोगों को घर याद आ जाता हाँ है। अब घर याद आते ही जो है सारी चीजें जो है रिमाइंड होने लगती थी, और तो ओ, आज तो 9 बजे के पहले आना था, ये तो 10 बज रहा। अभी तक जो चल रहे थे आपकी चाल बदलती है, फिर आपकी धीरे धीरे पूरी अवस्था जो है वो बदलने लगती है, और फिर धीरे धीरे जब आप घर की कुंडी बजाने जाते हो तो आप कुंडी बजाने का पूरा जो प्रकरण जो होता है, गए अब घट घट ढंड ढंड घड़ी, पहले तो ये होता था ना, खेल तो बहुत बाद में आया है, तो आप धीरे से सोचते हुए जो है वो बजाते हो, और उसके बाद जब दरवाजा खुलता है तो आप होल्ड किए हुए हो कि साला कौन खोलेगा, माँ खोलेंगी, भाई खोलेगा, या पिताजी ही खोल लेंगे, और आप अपना चेहरा होल्ड किए हुए हो कि जो जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम करेंगे, क्योंकि तो चेहरा दिखेगा ना, फट से 9 बजे के पहले आ जाना था, 10 बज रहा है। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी ध्वनि बदलती है। वो क्या ध्वनि बदलती है, ये क्या है? हम ये कह रहे हैं कि इसका आपने कोई रिहर्सल नहीं किया है, आपके अंदर से स्वतः आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज आपको मंच पे करना है तो आपके लिए तो आसान है, लेकिन जब तक इसे आप 1000 बार सोचेंगे नहीं उस प्रक्रिया को, उसी डायलॉग की तरह से आप समझ नहीं पाएंगे। जो चीजें हैं उसको लगातार गुनना बहुत जरूरी है, डायलॉग की तरह। जैसे हम डायलॉग या पढ़ते हैं याद, कि हमें याद ना हो, आत्मसात हो जाए, इसलिए आज तक मुझे कोई भी किताब यानी कोई भी कविता, शायरी, उपन्यास, कहानी याद नहीं होता है। कोई हमसे कहे कुछ सुना दो, मैं कहता हूं मैं पढ़ूंगा, सुना नहीं सकता। याद करने के लिए मुझे वही 15 दिन चाहिए, महीना चाहिए,
2 महीना चाहिए। आप कैरेक्टर दिखने और कैरेक्टर होने की बात कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, अरे कैरेक्टर तो दिख ही नहीं सकता है, हो तुम ही दिखोगे। कैरेक्टर दिखने लगा मतलब होने लगे हो, तो अगर दिखने लगे हो तो हो भी जाओगे, लेकिन जो तुम समझ रहे हो कि तुम दिख रहे हो, मूलतः तुम ही हो जो भ्रम में हो कि कैरेक्टर दिख रहा है, क्योंकि तुम दूसरे प्रकार से डायलॉग बोले हो, दूसरे प्रकार का कपड़ा पहने हो। थॉट प्रोसेस भी बदले हैं भैया। हाँ तो भाई वो जब जो जो आप पढ़ना शुरू करते हो आपका प्रोसेस बदलता है, रोज आप पढ़ते हो। जैसे नसीर भाई से किसी ने, जर्नलिस्ट ने सवाल किया, वो हम इंटरव्यू सुन रहे थे, वो पहले का है, कुछ 10 साल 15 साल पहले का होगा, वो उसने उसने पूछा कि आप एक स्क्रिप्ट कितनी बार पढ़ते हैं, यानी मतलब सेकंड का एक फ्रैक्शन नहीं, बोले 500 बार। उस जर्नलिस्ट को समझ भी नहीं आया, वो अगला सवाल कर रही, सोच ही नहीं पाया कि भैया साल में 365 दिन होते हैं, इसने 500 कहा। तो आप ये बात कह रहे हैं भैया कि अंदर से बदलो, बाहर अपने आप बदलेगा। हाँ बिल्कुल, और अंदर से तभी बदलाएगा जब तक आप उसे आत्मसात नहीं करोगे। याद करने से वो सिर्फ याद हो जाएगा, जिसे आप करते हुए दिखोगे, मतलब विनीत दिखेगा कि विनीत ये लाइन बोल रहा है, ये कॉस्ट्यूम पहन लिए है और इसको ये मूवमेंट दे दिया गया है, और ये लाइट के बीच में एक विनीत ये बोल रहा है। तो जनरली इसीलिए जब वाचिक प्रधान होता है नाटक, जब आप करते हो तो आपको वो लगातार पढ़ना पड़ता है, और जब उसी के साथ साथ अगर उस शरीर का जो अभ्यास है वो भी कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है। जैसे जब हैमलेट कर रहे थे तो उसमें हमको हैमलेट दे दिया, हैमलेट दे दिया, तो उसमें तो 4,500 लाइन। अब उसमें से जो है डायरेक्टर लंदन का, उससे जो है कुछ 1,000 लाइन कटवाए, तो वो 3,000, 3,500, 4,500 लाइन मेरे पास तब थी। मैंने सारी लाइनों को रिकॉर्ड किया, टेप रिकॉर्डर हम लोगों को एक मिल जाया करता था, टेप रिकॉर्डर लेके सारी लाइन मैंने जो है रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करके कान में लगा के रात में वही सोते हुए यानी सुनते हुए सो जाते थे, सुबह वो बजता रहता था। उसके बाद ब्रश करने से लेके, पॉटी करने से लेके, नहाने समय उतारना उतारे, फिर कॉन्टिन्यूस बज रहा है। फिर बीच में समय मिला तो इसको हटा के किताब खोल के किताब पढ़ना शुरू। हम वापस पटना में आते हैं। हाँ, हाँ तो कला संगम के बाद आपने इतना ज्वाइन किया, या उसके पहले भी एक और भी, दो? यानी मतलब एक उनके हरिदा हरिशरण जी जो है वो कला त्रिवेणी खोले थे कला संगम से निकलने के बाद, तो उसमें से एक नाटक किया, उसमें वो नाटक का नाम था अंत नहीं, वो बादल सरकार का नाटक है ना, अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं किया। अंत नहीं जब लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा अरे तो मिनी सतीश आनंद है, तो मैंने अपना वो मिनी सतीश आनंद हटाया। अच्छा, क्यों 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 बोले लोग ऐसा? भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई हमको सतीश आनंद की जगह मिनी सतीश आनंद बना दिया। अबे मैं विनीत हूं, कोई मतलब एक तरह से सतीश जी का इतना असर था आपके ऊपर। वो असर था, वो गलत है, होना नहीं चाहिए। सतीश आनंद पे किसी का असर हमको फिलहाल तक, यानी हमको तो वो जानते वानते नहीं थे, लेकिन हमको लगता था तो ओरिजिनल है, तो सब लोग ओरिजिनल लगते थे, तो हमको लगा कि हम भी ओरिजिनल क्यों नहीं है, हम मिनी सतीश आनंद क्यों है। एक समझ तो पैदा हुई थी ना, अनागत तो में भी समझ आप से वो मिनी सतीश आनंद हटाया। अनागत में भी थे क्या आप? अनागत में भी थे, उसमें वो अमल विमल कमल में कमल थे, वो एवं इंद्रजीत में। अच्छा, बादल दरअसल सरकार। क्या है कि मूलतः मुझे लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, अब लगता है कि मूलतः मुझे रोल मिल जाता था, लेकिन लोग रोल इसलिए देते थे कि इसको रखो, ये काम लायक आदमी है, पैसा भी ले आता है, मेहनत भी करता है, सेट वेट भी लगा देता है, तो नहीं ये। तो रोल से रिलेटेड एक सवाल है भैया, हाँ कि मेरे पास दो चार सपूत है कि जो रोल आप करना, मतलब
कहे कि जो रोल आप चाहते थे वो आपको नहीं मिलता था, जबकि उसके अपोजिट मिलता था, क्या ये सच है? हाँ, मतलब ऐसा भी था कि हमको माधवी हो रहा था तो हमको थमा दिया वो ययाति, 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 और जावेद को दे दिया गालब। हम बोले देखिए, दे दिया ना अपने भाई को आपने गालब। आप गालब करना चाहते थे, अरे मैम, हीरो कौन नहीं बनना चाहेगा? और महाभोज में आप जोरावर बनना चाहते थे, आप जोरावर मदास बनना बने। चाहते थे, हमको दे दिया। और हर बार हम परवेश भाई को बोलते, परवेश भाई जो है अपना एक ठो तुर्रा लगाए रहते थे, अरे तुम नहीं समझते हो, तो जावेद कर नहीं पाएगा। और उनको मालूम है कि इसको, इसका ईगो जो है कैसे सेटिस्फाई किया जाए, और वो ये कह के कि जावेद से ये नहीं होगा। लेकिन महाभोज में तो दास साहब का ही रोल मेन रोल था। भाई मेरी अपनी समझदारी है ना, हम डिसाइड करेंगे कि हाँ कौन मेन रोल है। हाँ सही बात, सही बात। अरे दो वो जोरावर से काफी मिलता जुलता थे ना, तो इसलिए बोला मेहनत नहीं हाँ करनी पड़ेगी। अरे उससे बड़े जोरावर हम थे। हाँ सही बात है। लेकिन परवेज भैया आपको वो कुछ बोल के कन्विंस किए थे, वो क्या किस्सा है? वहां वो बोले क्या कि हम जब जोरावर नहीं मिला, हम बोले कि देखिए आपने फिर कर दिया ना, हमको करना था जोरावर करना है, हमको ये करना ही नहीं है, दास साहब आप दे दीजिए जावेद को, हमको नहीं करना है। तो बोले देखो क्या है कि जावेद जो है, ये जो इसमें एक सॉफ्टनेस है और जो ये चरित्र है वो नहीं कर पाएगा, शुद्ध स्वर्ग वाली बात थी शुद्ध शायद। स्वर की, मतलब वो था भी कि आप कोमल स्वर में, वो दास साहब कोमल स्वर में बोलेंगे थ्रू आउट, एक जगह खाली शुद्ध स्वर लगेगा जहां वो जाते हैं गांव में, और जोरावर वहां खड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि केस करो, और वो एक जो डायलॉग है जो वहां पे खाली शुद्ध स्वर लगता है, बाकी वो कोमल स्वर में बोलते हैं। सस्पेंड एसपी सक्सेना नायरा हाँ हाँ जिंदा। वही 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 ले। हाँ तो ये कह दिए हमको, अच्छा तो मतलब मैं कर लूँ। कर दिए। नहीं ऐसा नहीं था कर, कि दास साहब करने के बाद जो जब महाभोज खत्म हुआ तो रेडियो स्टेशन के पीछे तो अपना तो स्कूटर उड़ जाता, खत्म हो गया था, अब क्या करें, घर में कहते रहे तो उठ के चल देते थे रेडियो स्टेशन, तो रेडियो स्टेशन पीछे परवेश भाई चाय की दुकान पे सब लोग खड़े हुए थे। तो नया नया आए थे वो स्टेशन डायरेक्टर, तो वो भी चाय पी रहे थे और वो परवेश भाई से बात कर रहे थे। हम अपना स्कूटर लगाए वहां खड़े हो गए, हमको भी एक चाय मिल गई, खड़े हो गए। वो बोलने लगा, यार परवेश तुमने तो बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा प्ले था, अरे और ये तुम्हारा दास साहब तो कमाल था, बहुत अच्छा किया दास साहब। तो परवेश ने हाथ किया, इसी ने किया था ऐसे हाथ, कैजुअली हम लोग के समय तो वो कैजुअली, हाँ इसी ने किया था। और वो जो है ध्यान नहीं दिए और फिर वो दास साहब की चर्चा करने लगे, दोबारा कहे तो परवेश भाई ने कहा, अरे भाई इसने किया था, ये विनीत है, उन्होंने हमको देखा, कहा अरे ये वो तो लंबा लग रहे थे और गोरे लग रहे थे, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। परवेश बोले अरे ये लंबा गोरा होता रहता है, ये हो जाता है। उसका बोले परवेश भाई, इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन मेरे दिमाग में भी काफी भीम का है, विशाल हाँ का है, चरित्र का है वो काफी। तो भैया कैसे कन्वर्ट किए थे अपने आप को, शुद्ध स्वर कैसे लगा लिए थे? शुद्ध स्वर तो बैठे रिहर्सल होता था ना, 2 महीना का रिहर्सल, 2 महीना, 1.5 महीना, 1.5 महीना चला था खाली रीडिंग। हाँ तो और वो क्या सामने कर, बैठे रहते थे, और उनकी उंगली, और जो बैठे रहते थे और हम पढ़ते थे, तो उनकी उंगली ऐसी हुई मतलब कि शुद्ध जो है लग गया है, अब इसको कोमल करो, फिर तो पढ़ते थे। तो एक तीखी तीव्र नजर जो है, शार्प नजर, जिसे काम चाहिए, जिसे ये नहीं है कि मेरा प्ले तैयार हो रहा है कि नहीं, काम चल रहा है कि नहीं, काम अपने सही ट्रैक पे है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण था। प्ले तो होगा ही होगा, जब तक काम नहीं होगा प्ले नहीं होगा, तो पहले काम करो। तो काम करने की जो अवधारणा थी, जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो समझ में आया कि काम कहते किसको हैं। डायलॉग रटने को काम नहीं कहते हैं, उन शब्दों को, उन अक्षरों को, उन ध्वनियों को, उस ध्वनि के विस्तार को, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके अंडरलाइन को, ये सब कैसे समझे। ये किस सन की बात होगी? ये 84 की, 83 की, 83।
तो भैया, तो एक लाइन में तो बात यही हुई कि जो, अच्छा एक बात और थी, आप कह रहे थे कि गाना नहीं गाते हैं, जबकि आप जुलूस में तो गाना गाते थे। अच्छा कोरस में तुम जब बोलो तब गा देंगे कोरस में खड़ा करो, यानी मतलब हम मूल रूप से मेहनत करने में पीछे नहीं है। इस उम्र में भी अगर कोई हमसे कहे कि इतनी मेहनत करनी है तो मैं कहूंगा इससे दुगना कर दूंगा। तो भैया, तो ये जब दास साहब तैयार करते हुए, तो आपका तो स्वराभ्यास तो भयंकर हुआ होगा। किसका? हाँ स्वर का अभ्यास जो है आपका, मतलब हाँ बिल्कुल तो मतलब एक एक्टर को चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सा कोमल सुर है, कौन सा तीव्र बिल्कुल है, कौन बिल्कुल, सा मतलब मध्यम है। अभ्यास तो, मतलब अभ्यास तो करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये जब तक नहीं पता होगा कि जब आप, अब ये जरूरी नहीं है कि सब जो है ये जाने समझे करे, लेकिन जनरली जो है वो आपको ये रहता है पता रहे तो आपके लिए आसान हो जाता है कि भैया बड़ी देर से जो है एक ही नोट पे बोल रहा, जरा नीचे वाला नोट लगा के नीचे वाले नोट से बोल लो या उसके नीचे वाले नोट से बोल लो, यार क्या प्रॉब्लम है। तो नोट जो है आप अगर बदलना जानते हो, अगर आपके पास चार सुर है तो वही नोट है कि भाई उस पे बोलो, वॉल्यूम जो है आपका कंट्रोल रहेगा और आप जो है उसका प्रोजेक्शन जो है जब करोगे तो कान को खटकेगा नहीं, वरना आप हमेशा वॉल्यूम के माध्यम से अपने स्वर को आरोह और अवरोह में बांधने की कोशिश करोगे जो कभी होगा नहीं। तो अगर फरीद भाई इजाजत दे, तो एक सवाल और हाँ है। नहीं, एक सवाल, हाँ चलो तुम पूछ लो। हाँ, एक चीज ऐसा बोल दिया जिस पर बहुत सारे एक्टर जो हैं बहुत बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एक्टर कंफ्यूज होते हैं। भैया बोले आप वॉल्यूम एंड पिच, ठीक है, हाँ विनीत विनीत भैया, वॉल्यूम और पिच। तो जैसे ही बोलते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ तो एक्टर पिच बढ़ा देता है, जब बोलिए पिच बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ा देता है, बड़ा कंफ्यूज होता है। तो कैसे फर्क, क्या फर्क है हाँ तो दोनों में? मतलब आप जो ये कह रहे हो, अगर कोई इतना भी जान गया है तो बहुत जान गया है, उसको समझ में आ जाएगा ये वॉल्यूम बढ़ा दिए हम जान गए। लेकिन दरअसल तुम कहोगे कि अबे यार दूसरे नोट में बोलो, वो वॉल्यूम बढ़ा देगा, बोले नोट, अरे यार जरा नीचे से बोलो तो वॉल्यूम कम कर देगा। दरअसल कुछ नहीं है कि अगर आप जो है चार, यानी मतलब आप चार सुर पकड़ सकते हो तो रखे रहो, वही आपको मदद करेगा। वो संगीत के लिए नहीं है, वो हमारे ध्वनि को पकड़ने के लिए है कि हम अगर यहां से बोल लें, यहां से बोल लें या एकदम नीचे से बोल लें, वो आपके अपने, यानी वो तकनीक है, एक है, अब नहीं भी जानते हो तो काम चल जाता है, लेकिन कुछ तो करो एज एन एक्टर। तो रोज सुबह कम से कम 15 मिनट जो है, हार्मोनियम तो आजकल तो मोबाइलों पे आ गया है, तो स्वर का अभ्यास कर लो। कुछ ना हो तो खाली स प प लोअर का प स और मिडिल का प प स प, 15 मिनट यही पकड़ के जो है करते रहो, तुम देखोगे कि दिन भर जो है तुम्हारा स्वर जो है वो बंधा हुआ निकलेगा, छिदराएगा नहीं, उसमें कंपन नहीं होगा। तो भैया रोज अभ्यास करना पड़ेगा, एक बार तो 3 साल सीख ही लिया था, अब क्या ना है ना ना रोज? ना, ये तो जिस दिन कफन मोड़ है उस दिन भी बोलो कि अरे रुक बे, अभी आज स्वर का अभ्यास नहीं हुआ था, ओढ़ लेते हैं, अभ्यास करके जाते हैं। फरीद भाई आके बताइए। हाँ तो अब आप इकता में आ चुके थे, दास साहब की चर्चा हो गई, महाभोज की चर्चा हो गई, अब इकता की बात हो, अब बिना राजनीति के छूट जाए तो ये ठीक नहीं है, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद नहीं आएगा। सही बात है, और अभी इकता के बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस लाइव को भी, तो इकता के बारे में ये आरोप लगता रहा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, या माउथपीस नहीं भी है तो सांस्कृतिक संगठन है, जैसे आरएसएस का संस्कार भारती, सीधे सीधे ये रहा। दूसरा सवाल भी मैं रख देता हूँ ताकि आप एक साथ ही उसका जवाब दें।
कि एक बार आपने ही एक नाटक किया था इप्टा में, सत्य हरिश्चंद्र, जिस पर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोगों ने कहा था कि इप्टा धार्मिक नाटक करने लगी। तो इस पूरे चीज को कैसे आपने डील किया, या क्या समझदारी बनती है इस बारे में आपकी? क्या है कि मेरी इप्टा में मेरी लड़ाई ही यही थी कि भैया या तो पैसा दो, विचार तुम नहीं देते हो, विचार हम खुद पढ़ के पैदा कर रहे हैं। वो पुस्तक है, जिस पुस्तक को तुमने पढ़ा है वो पुस्तक मैंने भी पढ़ा है, इसलिए तुम हमें ना समझाओ कि विचार क्या होता है, और तुम हमें ये ना बताओ कि कम्युनिस्ट क्या होता है। तुम पार्टी चला रहे हो, हम इप्टा चला रहे हैं, तुम इप्टा चलाने की कोशिश मत करो। आपको तो सच्चा कम्युनिस्ट भी लोग बोलते थे। हाँ वो बोलते थे, लो लो आ गया सच्चा कम्युनिस्ट, तो हम उनको कहते थे 2500 रुपए का कार्ड अपने पास रखिए, उसमें 2500 रुपए में कार्ड बनता मैं मानता हूं कि मेरा बायां आज भी भारी है, मेरा तो भारी कर गए और खुद सब निकल के आगे बढ़ के कहीं कुछ और करने लगे, खाली ऊपर आवरण है सबका। कहाँ है पार्टी, क्या कर रही है पार्टी, क्या किया उन्होंने? मिला तो था, सारे के सारे बैठे हुए थे। आजादी के बाद हर इंस्टीट्यूट का, हर ऐसी संस्थान का जो हेड था वो लेफ्टिस्ट था, तो देश में इतने मूर्ख कैसे हैं, क्यों है, क्यों नहीं उनकी समझदारी बदली? क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप जो है उन लोगों को जो मजदूर मेहनत कश आप इस्तेमाल के लिए करते थे, शब्दों को इस्तेमाल के लिए उनको मजदूर और मेहनत, वो आपके लिए दोयम दर्जे के लोग थे। आप लोग अंग्रेजी बोल के जो है अपने को वो एक अभिजात्य वर्ग में रखते थे और हम मेहनतकश और मजदूर थे, यही लड़ाई थी। तो सत्य हरिश्चंद्र वाला क्या था काम? सत्य हरिश्चंद्र में जो है ये किया गया, तो उन्होंने कहा अरे इप्टा तो धार्मिक नाटक करने लगा, तो हम कहे कि भैया ये कौन, तो भाई पता चला अच्छा पोलिटब्यूरो में, हम बोले भाई तो मैं जाऊंगा, तो उनका भतीजा था, हम बोले ले चल, बोले ना ना भैया आप बोले अरे चलो गए घर उनके, वो बैठे वो, हम बोले अच्छा ये बताइए कि कैसे धार्मिक हो गया, सच का बात अगर हम करेंगे तो धार्मिक हो गए, हम अगर सत्य की बात कर रहे हैं तो उसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म तो जो है जो हम करते हैं वो धर्म है ना। तो बहस तो अनंत था और हमें कोई विरोध तो उस तरह से था नहीं। मेरा ये था कि आप मेरे ऊपर डोमिनेट मत करो, तन्नू के साथ यो तन्नू से जो है वो पहुंचे तो देखें कि लड़के जो है ढोलक वोलक कुछ निकाल रहे हैं, कुछ झाल वाल निकाल रहे हैं, बोले कहा यह क्या चल रहा, तो सब तन्नू एकदम सब कुछ अरे विनीत तो आएगा ना, तो उसके सामने मत करना वो फैल जाता है। तन्नू मतलब तरवी रखता हाँ तन भी रख, वो क्यों फैल जाता, हम क्यों फैल जाते थे, हम बोले अबे भाड़ निराते ऐसे समझ रखा है क्या, ऐसे कि जब भाई जैसे वो इस्तेमाल होता है कि चलो भाई जरा ढोलक बजा दो, आज कोई आने वाला है, कोई डेलीगेट आ गया, अरे क्या समझ लिया है, ये लड़के जो हैं थिएटर करने आते हैं, तो हमें इससे दिक्कत होती थी। नहीं, लेकिन उनके धार्मिक कहने का कारण क्या था? मतलब वो सत्य हरिश्चंद्र वो भी सत्य की बात कर रहा है, या महाभारत की कहानी थी, इस वजह से मतलब भाई कुछ तो तेरे महाभारत में भी तो जो है सत्य सत्य सच और की असत्य बात। की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या भैया है ये कि ये बिल्कुल वही है कि जैसे एक उदाहरण दे तो तुमको समझ में आएगा कि हम लोग बनारस गए तो इप्टा की टीम बनारस गई, बनारस गई तो विश्वनाथ मंदिर गए, विश्वनाथ मंदिर गए तो सब लोग अंदर गए, चार ठो बाहर खड़ा रह गया, हम बोले अबे अंदर चल, बोले अबे कम्युनिस्ट है अंदर कैसे जा सकते हैं, तो देख लो कम्युनिस्टों का हाल क्या है। अबे मंदिर जाने का मतलब तुम्हारा कम्युनिस्ट, तो मतलब ये जो आज की तारीख में ये जो आए हैं उनको हम क्यों दोष दे रहे हैं, वो भी तो कुछ इसी तरह से बोलते हैं,
आपने भी उसी तरह के लोगों को पैदा कर रखा था। आप ऑर्थोडॉक्स थॉट की बात कर रहे हैं। मतलब उस वक्त तो इफ्ता ने सत्य हरिश्चंद्र किया, माधवी किया, फिर आगे चलकर मुक्ति पर्व किया, सब महाभारत पर ही आधारित अलग अलग कथाओं पर। मूल मूल रूप से हम जो भी कर रहे हैं वो मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल समाज के विरुद्ध नहीं है, मानवता के विरुद्ध नहीं। वो एक बात कह रहे हैं जिसमें कि पता चलता है कि भाई ये काम तो नहीं करना चाहिए, या इस काम को अगर ऐसे करते तो ये आरोप नहीं है। तो भैया ये जो कहते हैं धार्मिक मिथकों को, जो एक आरोप है जो मैं बोल देता हूँ कि धार्मिक मिथकों को हमने एक समय छोड़ ही दिया था, या छोड़ने की बात करते थे कि छोड़ दो वो उस एरिया में जाना नहीं है, तो उसी को एक एक फैक्टर उठा करके आगे बढ़ रहा है उसी मिथक को, और ये कह रहा है कि तुमने ये छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है। तो क्या मतलब, जैसे अब रामायण महाभारत ले लें, वेद पुराण ले लें, तो क्या हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए? हाँ, मतलब दोनों में समस्या है, जो जो जिसने छोड़ा उसमें भी समस्या है, और जो आज पकड़ रहा है उसमें भी समस्या है। अब एक उदाहरण मैं देता हूं, ये मैं जब सेवेंथ क्लास में था पटना कॉलेजियट में, तो एक मेरे टीचर थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, जनार्दन राय। वो पहले दिन आए क्लास में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही बात करते हुए अटेंडेंस लेने के बाद बोले कि अच्छा ये हनुमान क्या है, ये सरस्वती क्या है, ये लक्ष्मी क्या है। तो सबने कुछ कुछ अपना बोला, बच्चे सब बोलते रहे, कुछ ने तो हनुमान चालीसा पढ़ दिया, कुछ कुछ कर दिया अपना कर। उन्होंने कहा कि हनुमान जो है वो मित्र है, मित्रता के पीछे जो विश्वास और आस्था है और दोनों का संगम कुछ उन्होंने बताया। तो मुझे लगा अच्छा हनुमान जो है वो ये है। फिर लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी जो है वो धन को का प्रतीक है, और अगर धन तुम समझ पाते हो, धन को सही ढंग से अगर संचालित कर पाते हो, तो तुम लक्ष्मी की पूजा करते हो। और अगर सरस्वती के बारे में कहा कि अगर तुम पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम सरस्वती की पूजा करते हो, माथा टेकना, मंदिर जाना, वो उसका एक पक्ष है, मूलतः वो पूजा नहीं है, पूजा ये वो आज तक मेरे दिमाग में है। और मूलतः यही विचार जो है, मुझे लगता है कि जब हम पीबीएच में देखते थे कि वो 5 पैसे की, 10 पैसे की, 15-25 पैसे की किताबें जो बिक रही हैं, तो इन लोगों ने क्यों नहीं इन सारी चीजों को इतने सस्ते में प्रचारित और प्रसारित किया, पूरे के पूरे रामायण को, महाभारत को, अलग अलग देवी देवताओं को कि प्रतीक रूप में वो है क्या? आपने बिल्कुल खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो जो आस्तिक वर्ग है, जो आस्था में है, उसको तो नाराजगी हो गई कि भाई अरे मेरे भगवान को तुम खारिज कर रहे हो, क्योंकि ये जमीन आस्तिकों की है, ये भगवान की भूमि है। अब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मिथकों का जो है इस प्रयोग होना चाहिए था, करना चाहिए था हमें? हाँ हाँ, अभी वो तो लगाते हो ना, पढ़ सुनते हो ना, वो अपना क्या नाम है उसका, वो देवदत्त पटनायक, देवीदत्त पटनायक, आप सुन देखिए ना कि हर कहीं विचार है, हर जगह विचार है। या तो आप उसको घंटी पूजा और चंदन हल्दी में समेट लो, या उस विचार को अपने जीवन में समेटो, ये तो आपका चॉइस है। तो एक ने जो है कहा कि इसको जीवन से काट दो, दूसरे ने कहा कि चंदन हल्दी घंटी में लपेट दो। गीता पढ़ने के लिए है, लाल कपड़े में लपेट के मत्थे पर टेकने के लिए नहीं है। गीता आपके जीवन में अगर 10 किताब 10 गीता जो है न फटी, तो फिर गीता आप पढ़े क्या? इतना पढ़ो कि पन्ना पन्ना अलग हो जाए, फिर पढ़ना शुरू करो। मतलब एक समझो तो कैसे, एक तरह से जो धार्मिक लोग, जो मतलब कुंद जहन धार्मिक लोग हैं, वो जो
लाल किताब मिल, लाल कपड़े में लपेट के माथा टेकते हैं, और कम्युनिस्ट, दोनों हाँ, एक ही तरह की सोच वाले थे, दोनों और दोनों लाल हैं। लाल। सही बात। दोनों लाल हैं। और मेरा तो मानना है कि इस जमीन पे, भारत की जमीन पे, और मुझे लगता है कि ये भारत भूमि है, और भारत की इस जमीन पे सिर्फ एक ही चीज राज कर सकती है, और वो है कम्यून। कम्यून कम्यून क्यों? क्योंकि हमारे यहां व्यक्ति विशेष की कहानी ही नहीं लिखी गई। उसमें व्यक्ति विशेष जरूर है, लेकिन कहानी उसकी नहीं है। रामायण में राम की कहानी नहीं है, लेकिन एक आदमी राम है। कहानी है उस समाज की। हाँ, एक औपन्यासिक उसका वो है। वैसे ही महाभारत एक आदमी की कहानी नहीं है, एक परिवार की कहानी नहीं है, वो पूरे समाज की कहानी है। एक जो है हमें नैतिकता समझाता है, दूसरा हमको, यानी एक मॉरालिटी समझाता है, एक हमको उसका मूल्यांकन, वैल्यूएशन समझाता है, वैल्यूज समझाता है। अलग अलग देवी देवता जो हैं हमें जीवन का विचार देते हैं। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो शास्त्रों में, जो शास्त्रीय रूप में जो सामने आती हैं, वो चीजें व्यक्ति की नहीं है, समाज की है। तो समाज क्या है? जो कम्यून से बना हुआ है। तो यहां व्यक्ति का राज नहीं हो सकता, यहां कम्यून ही राज कर सकती है। इसीलिए जब भी हमारे यहां कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, उसके पीछे एक पूरा समूह होता है। उस समूह को आप अंधा कर देते हो, इसलिए कि आपको ये मालूम है कि अगर इसे हम अंधा नहीं करेंगे तो हम हाँ, सत्ता पे बैठे नहीं रह सकते। हाँ, सवाल पूछ लो भाई, घड़ी देख रहे हो तुम लोग? नहीं, घड़ी नहीं नहीं देख नहीं रहा। नहीं नहीं घड़ी नहीं देख रहे, घड़ी नहीं देख हाँ, रहे। घड़ी नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अब कुछ भी हो, मेरा विश्वास कम्यून में ही है। हम कितना भी अपने उस की बात करें, मैं की, लेकिन मेरा मानना है कि हम के झुरमुट में घिरा हुआ मैं। मैं भी तो भैया अपने आप में कुछ नहीं होता है ना, कि हाँ, आप लेकिन मैं हमारा, में ही तो सारी दुनिया बर्बाद है ना। वो कि हमारा जो मैं है वो भी बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का योगदान है उसमें। हाँ, उस मैं का भी हम है। मैं क्या, सही बिल्कुल बात, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसके बाद आप एनएसडी गए, हाँ, इसके बाद हम एनएसडी गए, काफी लंबा मतलब काम किए हम। प्रशिक्षण की जरूरत आपको महसूस हुई उसके पहले? प्रशिक्षण की जरूरत तो क्या है कि हम जो है, हम लोग इप्टा में जो थे, वो एक आदमी नहीं सोचता, एक आदमी के लिए सब सोचता था। वो सामाजिक समस्या, यानी मतलब वो संस्था की समस्या होती थी, एक आदमी की समस्या, पूरे शहर की समस्या जो है इप्टा की समस्या थी। वैसी संस्था वो इप्टा, उस वक्त की इप्टा जो थी पटना में, वो मैंने पूरे देश में किसी जगह नहीं देखी है। वो एक-एक नाम अगर मैं देखूं तो हर नाम जो है वो अपने आप में एक व्यक्तित्व था, चाहे वो कुछ ना कर रहा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन था वहां। हाँ, सभी जैसे जैसे एक व्यक्ति का जिक्र आता है, नवीन कुमार। हाँ, अब नवीन जी आईएएस, उन्होंने कितनी मदद की, तो मतलब वो भी तो थिएटर के ही थे, नहीं हाँ, जबकि वो सीधे सीधे थिएटर नहीं कर रहे थे। थे? या आरबी शर्मा, वो आईपीएस थे भैया के बैच के, भैया जब वो मतलब वो नाटक हो रहा था तो महाभोजी था, नहीं कौन सा नाटक था जिसमें कि वो चौकियों की जरूरत पड़ गई थी, चौकी कहाँ, जो BMP 10 के कमांडेंट थे, हम पहुंच गए, हम बोले भैया चौकी चाहिए,
बोले चौकी कितना चौकी चाहिए, हम बोले जितना सब चाहिए। तो पता नहीं कितना पिछले चौकी उनके ट्रक से ही लदवा के भिजवाया गया, फिर कंबल चाहिए कंबल आया। तो वो बनना था, ऊंचा करना था कुछ उसका, वो बनाना। तो स्पार्टाकस तो नहीं था, शहर स्पार्टाकस तो नहीं था। नहीं पता नहीं, कोई नाटक होता ही रहता था ना, नाटक हाँ के बिना तो जो है जीवन ही नहीं था ना हम लोगों का। अब जरा सा पता नहीं, जरा दिक्कत है, वरना उस वक्त तो इतना ही नहीं, हर हर संस्थान जो था ना, वो जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लोगों को जलन नहीं होती थी एक दूसरे से, संस्थान में एक संस्था दूसरे संस्था से जलती नहीं थी, प्रतिस्पर्धा था। अच्छा उसने ये किया है, आओ तो ये करते, तो हर कोई लगा हुआ था, तो पूरा पटना चार्ज रहता था। यानी आप ये सोच सकते हो कि हम लोगों का टिकट ब्लैक होने की नौबत आती, लोग कहते थे कि अबे तो टिकट नहीं मिलता है, लोग खड़े रहते हैं, ब्लैक हो तेरा टिकट। आप सोच अच्छा, लीजिए कि हम लोग टिकट टिकट कर शो करते थे। मतलब हम तो उल्टा चल रहे हैं इसका मतलब, कि जो जो शहर टिकट बेचता था, जिसके टिकट नहीं होते थे, और आज आज हम कह रहे हैं कि अरे हमारा तो ऑडियंस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमको अब वो दिन याद है कि हमने सतीश जी से पूछा कि अरे हम लोग इतना करते हैं, कोई आता नहीं, हम तुगलक उगलक के समय या उसके बाद ही, वो आता नहीं, कोई आता नहीं। बोले अरे यही लोग आ रहे हैं बहुत है, कोई देखना ही नहीं चाहता है नाटक वोटक को। हम बोले अच्छा क्यों नहीं देखना चाहता है, हम लेके आएंगे ना। लग पड़े उसके बाद इनके पीछे उनके पीछे उनके पीछे उनके पीछे, तो कम से कम 10-15 लोग ले आए। धीरे 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 धीरे, मतलब यहाँ तक कि जो चाय वाला था, जिसके यहाँ चाय पीते थे, जो मोची था, जो जूता बनाता था, जो सिगरेट देता था, जो ठेला उठाता था आप लोगों की, उन सबको थिएटर दिखाया। मतलब भैया थिएटर मैनेजमेंट भी एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है, तो अभी थिएटर मैनेजमेंट खत्म है आई थिंक। इसीलिए तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सरकारी खाते में पैसा मिल रहा है। जब तक सरकारी खाते में पैसा नहीं मिल रहा था, आप ईमानदारी से थिएटर कर रहे थे, पैसा नहीं होने के बावजूद थिएटर कर रहे थे। अभी पैसा अरे मिलता है तब भी आप थिएटर नहीं करते। पर लोग तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ बढ़ गया है, कितना नाटक हो रहा है देखिए। नाटक कहाँ हो रहा है यार, वो रट के आप वो जो है कर रहे हो, जो हम बोल रहे हैं कि उससे अच्छा किताब दे दो, बेचारा पढ़ लेगा, समय बर्बाद कर। नहीं तो क्या सरकारी अनुदान नहीं मिलना चाहिए? मतलब मेरा तो मानना है कि हमारी इतनी औकात ही नहीं कि सरकारी अनुदान का हम उपयोग कर सकें। कहीं भी सरकारी अनुदान जो इस देश में किसी को मिलता है, उसका उपयोग आप होते हुए देखे हो क्या? हमारी प्रकृति ही कुछ अलग है यार। हम वो उनके यानी वो फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन, कैनेडियन, जापानीज की तरह से शायद नहीं है। हमको जो ही कोई प्रश्रय देता है, हम छितरा जाते हैं, फैल जाते नाराज कर रहे हैं आप बहुत लोगों को, हैं। बहुत लोगों को नाराज कर रहे हैं आप। नाराज मेरा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, 4 दिन बाद निकल लेंगे। मैं नाराज करके क्या है, हम 63 के आसपास पहुंच चुके हैं, हमको अब तो हम मरने के नजदीक हैं भाई। हमको मेरे से नाराज हो गए, घंटा उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे मेरे से? विनीत भैया है, विनीत भैया तो भैया आप मतलब कि एनएसडी दिक्कत। पहुंचे? हाँ हाँ एनएसडी पहुंचे, तो एनएसडी में जो है हम सबसे ज्यादा उम्र के थे। अच्छा, अपनी हाँ बैच में अपने बैच में नहीं, मेरा सीनियर जो है वो आलोक चटर्जी का था, इरफान का, इरफान का था, उससे सीनियर पीयूष का था, उससे सीनियर जो थे उनके आप सोचिए अवतार भाई हमसे छोटे हैं या मेरे बराबर होंगे, हमसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सीनियर। अच्छा तो भैया उसी से रिलेटेड एक सवाल कर देते हैं, आप एक मिला जुला के जवाब दे दीजिए। क्या हाँ आप लगभग 25-30 साल से एनएसडी देख रहे हैं लगातार? नहीं, 31 साल। हाँ हम 86 में गए थे एनएसडी, 86 में, हाँ, तो 89 में पास छियासी आउट से हुए, लेकर, 83। हाँ, तो अभी आप अपने अपने समय की ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग पे बात करें और एनएसडी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, तो वहां से लेकर अभी तक
क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा नहीं हुआ है, क्या होना जिंदगी में कुछ चाहिए, अच्छा नहीं हुआ आपके समय भी नहीं। ना। वो कुछ आपने टीचर थे, कुछ आपने सुना कि टीचर हड़ताल भी किया था एनएसडी का। मतलब ताल उड़ता लोग तो कहते हैं कि विनीत कुमार की वजह से जो है वो हड़ताल हुआ, और कहानी तो बहुत चलती रहती है। हड़ताल भी हुआ था, लेकिन मेरा मानना यह है कि एनएसडी में वो टीचर लोग कुछ थे सीनियर जो चाहते थे कि बच्चे आए हैं तो पढ़े। प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम हमेशा सत्ता की रही है, और सत्ता का खेल एनएसडी में हमेशा चलता मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं आप। है। नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, जैसे तुम हो, हम हैं, फरीद साहब हैं, ये तीन लोगों में है तो हम थोड़ा सीनियर हैं, तो हम जो है डोमिनेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं यार 4 साल सीनियर हो या 40 साल सीनियर हो तो डोमिनेट करोगे, हैं तो साथ काम कर रहे हैं ना। अब बस फिर फरीद साहब उधर देखें कि ओ हो, ये दोनों तो आपस में, अब मेरा क्या होगा, तो उनका अलग हुक लटक गया, इनका अलग हुक लटक गया, आपने एक दल बना लिया, उन्होंने एक दल बना लिया, तो अंदर ही चल रहा है। सरकार ने तो कभी देखा ही नहीं, सरकार ने मतलब मेरे समय में जो मंत्री थी वो क्या हुआ कि हम तो पहले साल दिए तो नहीं हुआ, दूसरे साल दिए नहीं हुआ, तीसरे साल जो है हमको लगा ये तो मेरा अंतिम है, 30 साल सर्टिफिकेट एज 30 था, वैसे हम 31 के थे, तो हमको लगा कि अगले साल तो हो भी नहीं करेगा, तो मंत्री थी वहां तक पहुंच गए हम, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने पूछा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बताया है, क्या नाटक पढ़ाई होती है कल्चरल कल्चरल मिनिस्टर की बात बोल रहे हैं आप। तुम्हारा जो है ना ये अंडरलाइन करने का आदत छोड़ दो हम का कुछ अंडरलाइन कर, मेरा कहा वो मृत्युंजय से पूछ रही, मृत्युंजय हमको बिठा दिया है कि दिनित दिया से बतियाना है। दो। हाँ भाई, तो अब हम बता रहे हैं कि क्या इंटरफेरेंस क्या कोई करेगा यार, मतलब हम ये बता कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भैया कि हम खुश हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास, हमारे यहाँ भी जो मिनिस्टर है वो अभी बोला ना, वो उसने हाँ बोला ना कि 1,000 रुपया देंगे, वो भिखारी समझ रहा है आप लोगों को, और खुद भिखारी है। ना उससे भी बढ़िया बात था कि एक आए और ऑडिटोरियम में आके बोल रहे हैं कि इस पंडाल में उपस्थित सारे लोगों का स्वागत है। अब वो पंडाल और ऑडिटोरियम का फर्क ही नहीं पता। और इज द कल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार। हाँ भैया सुना रहे थे कुछ। वो सारा कुछ जो है आप अगर उस पे चर्चा करने लगोगे तो ये पता चलेगा कि बहुत पहले से सोची समझी साजिश के तहत लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और हम मूर्खों की जमात में बैठे हैं, रंगमंच से जुड़े हुए ये आप लोग। अपने हड़ताल के संदर्भ में बोल रहे हैं? नहीं, ओवरऑल हिंदुस्तान में अच्छा, सोच क्यों है, ये सोच क्यों है कि भाई एक इंस्टीट्यूट बना है अगर, तो उसमें अगर थिएटर की पढ़ाई हो रही है तो थिएटर की पढ़ाई होते होते अगर एक आदमी कहता है कि भाई इसको ऐसे देख सकते हो तो आप उसे खारिज कर देते हो, क्यों कर देते हो, उसको रख के तुम शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते हो कि भाई एक प्रोविजन आया है, आपको लगता है कि भैया इसका प्रोविजन अगर एक्सेप्ट हो गया तो ये तो आ जाएगा मार्केट में, हम साइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम जो है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अच्छी चीजों को भी हटा देते और कहते हैं कि हम ही जो कह रहे हैं वही सत्य है। पावर पॉलिटिक्स। हाँ, वही पावर पॉलिटिक्स, तो वो थिएटर में भी है। उससे क्या हुआ, एनएसडी को बहुत नुकसान हुआ। एनएसडी को नुकसान क्या, देश को नुकसान? एनएसडी का क्या नुकसान है, देश का नुकसान है ना कि भाई आप जो मतलब क्या बोला जाए, मतलब अगर वहां पे अब हम आपको अपनी बात बताएं कि हमने जो है, नहीं थोड़ा थोड़ा कोमल स्वर में बोल दीजिए। हाँ मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर एनएसडी में लोग
थिएटर को समझने लगे होते तो एनएसडी में टीचरों की, डायरेक्टर की या किसी चीज की कमी या क्राइसिस नहीं होती। आपने मूलतः जो एनएसडी में आए उसको बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जैसे कि BA MA में तैयार, सर्टिफिकेट। एनएसडी सर्टिफिकेट नहीं है, एनएसडी एक ऐसी जगह है जहां से आप व्यक्तित्व निकालते। जैसे एक जमाने में IIT में पढ़ता, IIT आज भी थोड़ा नाम है, कि IIM में पढ़ता है, वैसे एनएसडी का जो एक रुतबा होना चाहिए था, वो रुतबा कि भैया जब उधर से 15-16 लोग निकले तो लोग कहें कि ये आए एनएसडी के व्यक्तित्व। मैं तो ऐसी कल्पना देख रहा था ना। तो एनएसडी को ले दे के लोगों ने बना दिया कहाँ, घुमा फिरा के कि भाई एक ही आदमी है जो एनएसडी चला सकता है, चला रहा है, जानता है, और वो है अलकाजी साहब। फिर उसके पैरेलल जो है एक दूसरा चीज, जो अब उस समय मैं था नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैंने सुना है खाली, दूसरी एक धारा चली जो हिंदी की धारा थी और कारण साहब आए। दोनों व्यक्तित्व है, अलकाजी साहब भी हैं, कारण साहब भी हैं। उनके हिंदुस्तान में उनके योगदान को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से ये लोगों का आना, प्रवेश और एग्जिट सब हुआ, ये सब राजनीतिक था, तो उसे लाभ नहीं हुआ उस संस्थान को। कारण साहब आए तो एक तीसरा पैदा हो गया, तो फिर वो चौथा पैदा हो गया। हड़ताल का तात्कालिक कारण क्या था? हड़ताल का कारण यह था कि मूलतः जो डायरेक्टर आए थे उनका डिसिप्लिन, मतलब अपने ये थे थियम साहब, हाँ थियम साहब का अपना डिसिप्लिन था, तो उनको लोग जो है लगता था कि वो ट्राइबल किंग, एकदम सब डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब टीचरों को वो डिसिप्लिन पसंद नहीं था, वो तो अपने ढंग से जीने के आदी हो गए थे कि क्या था भैया, क्या डिसिप्लिन था? भाई सब लोग अपना जो है क्लास में आएंगे, सब लोग इतने समय में हर क्लास में होंगे, और फलाना होगा और ढमकाना, वो जो नियम होता और सबको है, रहना स्कूल पड़ेगा, स्कूल सबको रहेगा, रहना, सब क्लास करेगा, अटेंडेंस होना चाहिए, टीचर को मौजूद होना चाहिए हमेशा, जो वर्किंग आवर है उसमें सब लोग मौजूद सब रहे, मौजूद। ये नहीं कि क्लास लेकर के चले गए। या अपना काम कर रहे हो तो आपको मौजूद रहना है, तो ये तो एक तरह से ठीक ही था, अच्छी बात थी। नहीं, नहीं, ये अच्छी बात तो हम लोगों को भी नहीं लगी, हमको लगा कि भाई तुम कौन आ गए डिसिप्लिन समझाने वाले, हम लोग जी रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं। क्लास करो, क्लास करने की क्या जरूरत है, एडमिशन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, मैटर हो गया। एनार्किज्म जिंदाबाद। हाँ, मतलब आज की तारीख में कोई भी आदमी जो एनएसटी से निकला है वो अभिनय का इंस्टीट्यूट इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो फिल्म में काम कर रहा है। मुझे कोई नाम बता दो जो एनएसटी से निकल के रंगमंच कर रहा हो और उसके माध्यम से वो एनएसडी को पहचाना जाए। जो नाम वहां लिखे गए हैं एनएसडी में कि भाई हमें गौरव है, गर्व है अपने छात्रों पे, उसमें ऊपर के जितने नाम है सब सिनेमा वाले हैं। जबकि थिएटर में भी लोग हैं जिनका नाम लिखा जाना चाहिए था। अरे भाई थिएटर में ही हैं लोग, हम तो अभी उस दिन बात हो रही थी, हम बोले भैया तुम लोग तो इसलिए बैठा लेते हो, बुला लेते हो क्योंकि 4 ठो सीरियल की हैं, 4 ठो सिनेमा की हैं, चकल पहचाना हुआ है, तो तुम लोग जो है कह देते हो कि भाई आप आइए, दरअसल मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो एनएसडी पे इल्जाम भी लगता रहा है कि ये जैसे कि प्रसन्ना ने भी
इल्ज़ाम लगाया है कि एनएसडी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक्टर बनाती है। नहीं नहीं एनएसडी किसी को कुछ नहीं बनाती है, एनएसडी के पास एक तो सिलेबस है वो पढ़ना हो पढ़िए, नहीं तो ना टीचर को लेने देना है ना किसी को लेना देना है। भैया एनएसडी में आप कुछ नहीं सीखे? नहीं नहीं एनएसडी में तो आप दीवारों से सीख लो, सीखना आपका चॉइस है, पर्सनल पर्सनल, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं सिखा सकता है। आप सीखना चाहो यानी एनएसडी की लाइब्रेरी में 3 साल बैठ जाओ तो आप प्रकांड विद्वान होकर निकलो। अब तो लाइब्रेरी खाली हो गई, चोरी कर ली लोगों ने किताब, वरना वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कही जाती थी हमारे समय में। और एनएसडी की ट्रेनिंग ने आपको हेल्प नहीं किया कुछ? नहीं, नहीं बिल्कुल हेल्प किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचरों के माध्यम से वो हेल्प हुआ, वो मैंने समझा, टीचर समझा के अगर जाए और आप ना समझो तो समझना आपको है। टीचर ऐसे नहीं है कि वो पकड़ पकड़ के जो है वो कहें कि भाई तुमने जो है ऐसा क्यों किया, तुमने पहले ऐसा होता था, नहीं पहले था, जैसे मुझे याद है कि वो म्यूजिक वो ना सुरताल में रहे है, कभी रहे ही नहीं, तो उप्रेती जी जो है फर्स्ट ईयर के इम्तहान में उप्रेती जी हमको जो है बी प्लस मिल गया, और एक जो म्यूजिक व्यूजिक जानता था उसको बी प्लस मिला, तो हम उप्रेती जी के पास पहुंच गए, हम बोले कि सर आपने हमको बी प्लस दिया, उसको भी बी प्लस दिया, तो हंसे, हम बोले हम तो कुछ जानते नहीं है, तो बोले कि तुम्हारी मेहनत को बी प्लस दिया गया है, वो अगर इतनी मेहनत कर लिए होता तो उसको ए प्लस मिल जाता। तो उस टीचर ने मुझे समझाया कि जानना जितना जरूरी है मेहनत भी उतना ही जरूरी है, अगर सिर्फ जानते रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो वो जानना एक दिन गायब हो जाएगा। इस सवाल को अगर उलट दे भैया कि आप अगर एनएसजी नहीं जाते तो क्या फर्क पड़ता आपको? फर्क पड़ जाता क्या? फिर हम उन चीजों को उसी तरह से करते कि 15 सेकंड का काम जो है हम 15 दिन में करते। जैसे मेरे पास जो है, हम 2000 से मेरे पास है फोटोशॉप का वो पूरा क्रिएटिव क्लाउड फोटोशॉप, फोटोशॉप मैंने ट्रेनिंग कोई नहीं ली है, तो मैं फोटोशॉप पे 15-15 लेयर पे काम करता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बड़ा कमाल करता हूँ, लेकिन क्या है कि जो काम 1 सेकंड में वो क्लिक करके हो सकता है उसमें मुझे 5 मिनट लग जाता है, क्योंकि मैं किसी एक वो उसकी तरह से चलता हूँ, नौसिखिए की तरह से कि पहले इसको ऐसे किए, जबकि वो एक क्लिक पे इसको दबाओ ये हो जाए। तो एनएसडी नहीं जाते तो ऐसा ही होता कि जैसे नसीर भाई का क्लास हुआ था, 10 दिन का वर्कशॉप था उनका, तो नसीर भाई का वर्कशॉप बिल्कुल एकदम कैप्सूल की तरह था, 10 घंटे का होता था, और मेरी ये बात समझ में आई कि उन्होंने एक दिन कहा कि कोई भी चीज जब आप करना शुरू करते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यानी उसमें से खोज के निकालना पड़ेगा कि इसमें कितनी चीजें इंफॉर्मेशन है और कितनी चीजें जो है वो भावनात्मक है, मुद्दे की बात है। अब इंफॉर्मेशन को भी जो है आप भावनात्मक स्तर पे अगर इस्तेमाल करने लगोगे तो जहां भावनात्मक संबंधों के घनिष्ठता की बात होती है उसमें और इस इंफॉर्मेटिव सीन में क्या फर्क रहता है, इसलिए आपको ये तलाशना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन दो आगे बढ़ो। हाँ, जैसे मुक्ति बोध जो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फरीद भाई। हाँ तो मतलब हैमलेट आपने वो एनएसडी में किया? हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि एनएसडी से मैंने सीखा नहीं, बहुत कमाल, यानी मतलब वो 3 साल बिल्कुल स्वर्ग था मेरे लिए, टीचरों से दोस्ती थी, आनंद था,
व्यक्तिगत स्तर पे टीचर सबके लिए थे, हाँ लेकिन इंस्टीट्यूट के लेवल पे टीचर जो है बिल्कुल टीचर की तरह था। जैसे आज की तारीख में तुम्हारे यूनिवर्सिटी में या उसमें जो है स्कूल में जो टीचर थे टीचर हैं, वैसे और हमारे समय में जो टीचर हुआ करते थे, अरे कहाँ थे, कल दिखे नहीं। आज की तारीख में कोई टीचर नहीं पूछता। तो वो टीचर का जमाना जो है था, तो टीचर वो आप पढ़ाया चला गया, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे टीचर थे। तो एक टीचर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ दिया उन्होंने बिना पढ़ाए। उनके साथ बैठ जाओ तो कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। रॉबिन दास, तो बहुत कुछ में दो चार उदाहरण दे दीजिए। जैसे ये तो बहुत बात की बात है, एक दिन उनका फोन आया, हम लखन बीएनए में जो है बुलाया गया था कि भाई आके 10 दिन का क्लास ले लीजिए। तो हम बीएनए गए थे, जबकि हमको हमको लगता नहीं है कि हम पढ़ाने योग्य हैं, लेकिन लोग बोल देते हैं तो चले जाते हैं। हम गए, आओ चलो तीज का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा। तो फोन आया वहां रॉबिन दास का कि अरे जरा थर्ड ईयर का तुम क्लास ले लो, हम नाटक कर रहे हैं, तुम क्लास ले लो 10 दिन का। बोले अरे नहीं ना थर्ड ईयर तो सब पके पकाए बैठे हैं, उनका क्लास हमको नहीं। बोले इसीलिए तो जो पके पकाए बैठे हैं वही ठीक करना है। अब ये तो मजाक में उन्होंने बोल दिया ना, लेकिन आप समझिए कि वो आपको क्या कह रहे हैं। तो मैं वहां अभिनय का क्लास करने नहीं गया था, मैं वहां उन्हें जो वो ईगो जो वो एरोगेंस एक दूसरे के बीच था वो तोड़ने गया था, और उन्हें एक टीम बनाने गया था। और उन लड़कों को समझ में आ रहा है विनीत कुमार जो है एक्टिंग का क्लास लेने गए। तो दूसरे दिन रविंद्र दास ने कहा कि आज कुछ ठीक लग रहा है, क्लास लग रहा है। तो थर्ड ईयर में तो सबका ईगो प्रॉब्लम होता है ना। जैसे कि ये राउंड हेड पीक हेड कर रहे थे वो प्ले ब्रेक ब्रेक का, तो उसके पहले हैमलेट किए थे। तो हम बोले कि हम क्या कर रहे हैं। बोले ना ना तुमको तो कोई रोल नहीं मिलेगा, स्ट्राइक हो जाता है, तुम जिस जगह रहते हो स्ट्राइक हो जाता है। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हमको कैसे नहीं दीजिएगा। तो खैर वो हमको बोले कि नहीं तुमको कोई रोल नहीं मिलेगा। तो बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम बीच बीच में आ जाया करना, जब मन करे आ जाना। बोले इसका क्या मतलब हुआ। बोले अरे आ जाना ना भाई, जब मन करे टहलते हुए आ जाना, देखना लोगों को क्या चल रहा है और निकल जाना। क्या ट्रेनिंग थी मेरी वो। और नसीर भाई ने जो है जब वो प्ले देखा था तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम ब्रेक्टियन एक्टर लगते हो। बोले कि अच्छा मैंने इसमें क्या ऐसा कर दिया है। अब आप सोचिए कि एक एक्टर के पास कुछ नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एंट्री लेता है, पूरा सिचुएशन देखता है, कभी कभी एक आध लाइन मिल जाती है तो बोल देता है और फिर निकल जाता है, टहल जाता है। किस समय घुसना है, किस एक्शन पे घुसना है, ये खुद तलाशना था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी जो एक कैरेक्टर करते समय हमको उसकी समझ नहीं होती। हम एक कैरेक्टर कर रहे होते, मंच पे इतने कैरेक्टर के बीच में आप एक आदमी हो जो घुसते हो इन सब की समझ। तो वो ये उनकी देन थी कि मुझे वो बात समझ में आई। मतलब नाटक के अंदर भी एक अलगाव पैदा कर रहे हैं तब इस फिर चरित्र के माध्यम से। हाँ, तो ये उस ऐसे नाटक ये इस नाटक में होते हुए भी नाटक में नहीं है, नहीं। सिचुएशन में होते हुए भी आउट ऑफ हाँ सिचुएशन है। हाँ कि वो एक तरह से जो है वो घुसता है तो लोगों को एक एलिनिएशन की फीलिंग होने लगती है कि ये क्या, क्योंकि एक पॉइंट पे वो घुसता है जहां कुछ हो रहा है, लोग उसको देखते हैं। घुसेगा तो आप उसको देखेंगे, फिर इसको देखना शुरू करेंगे जो हो रहा है। तो अचानक जो है उससे हटते हैं, इसको देखते हैं, और फिर जब उसको देखते हैं तो आपका नजरिया बदल चुका होता है। फिर उसके बाद जो है प्ले के एंड में हुआ क्या कि प्ले जब एंड होता है तो वो गाना है, गाना गाते हैं, पूरा बैंड बजता है और गाना गाते हैं।
तो उसमें जो है गाना शुरू होता है, बजता है बजता है बजता है और फ्रीज हो जाते हैं, तालियां बजने लगती हैं, तालियां बजने लगती हैं और तालियों के बीच में फिर से उठता है और फिर एक क्रिसेंडो पर पहुंचता है और फिर फ्रीज हो जाते हैं, फिर तालियां बजने लगता है, बजता रहता है ताली, फिर चालू हो जाता है, फिर ऊपर क्रेसेंडो बनता है। अब दर्शक को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, फिर फ्रीज हो जाते हैं। 3 बार ये होता है। तो हमने सर से पूछा कि अच्छा सर इसका क्या मतलब था, तो बोले देखो नाटक एक तो बड़ा है डिफिकल्ट, सरलता से इनको दिखाया गया है, तो पहली बार जब बैंड बज के फ्रीज होता है तुमको लगता है खत्म हो गया है, फिर जब तुम लोग शुरू होते हो तो इनका एक रेट्रो जाता है कि ये अब क्या है कि भाई ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था ये हो गया तो नाटक तो खत्म हो गया, तो जो दूसरा होता है तो वो पूरा एक रेट्रो पूरे नाटक का जब जाता है, कहानी जो है उनका एक घूमता है, फिर तुम चालू हो जाते हो, फिर चालू होते हो फ्रीज होते हो तो वो कंफर्म करते हैं हाँ आप खत्म हो चुका है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, और क्या तीसरी बार करने के बाद तुम लोग खत्म कर देते हो उनको, नाटक हम रिवाइंड कर देते एंटी क्लाइमेक्स। तो आपके एजेंडे में सिनेमा तो नहीं था, नहीं सिनेमा सिनेमा तो कभी सोचे ही नहीं था। तो फिर आप बंबई आ गए लेकिन बंबई हम तो इसलिए आ गए क्योंकि मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई, मेरा खेत मुझसे छीन लिया गया। हाँ मतलब ये इसका आशय हाँ थोड़ा हाँ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, हम भी सुनते सुनते बाल पक गया मेरा भी, ये लाइन बहुत सुने। इसलिए कि मेरा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, हम तो नाटक जैसे होता है रंगमंच जैसे होता है हम वैसे ही करने के अभ्यास था मेरा कि हम सब लोग मिलकर नाटक करेंगे, और जब हम गए थे तो मुझे छुट्टी दी गई थी 3 साल की कि भाई आप ट्रेनिंग लेके आइए, जब हम ट्रेनिंग लेके पहुंचे तो बिहार की पूरी अवस्था जो है वो बदल चुकी थी, सामाजिक अवस्था राजनीतिक अवस्था सांस्कृतिक अवस्था बदल चुकी थी, इप्टा जो है वो नाटक नहीं कर रही थी, उसके अपने कुछ आंतरिक संकट से वो गुजर रहा था, उथल पुथल बहुत हो गया था, अब हम तो आए पास करके तो अब हमको तो नाटक करना है, अब उस पे जो है अब उसमें हम ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते हैं, वो सब चीजें हैं, मतलब मेरे पास कोई चीज ऐसी थी नहीं जहां मैं नाटक करूं, मैं किसी के साथ भी नाटक नहीं कर सकता, नहीं बिहार आपने तो कहा बिहार बदल गया, राजनीतिक हाँ परिदृश्य बदल गया, उससे ही रिलेटेड है, तब आप बंबई आए तो आपने एक टीवी सीरियल किया था राम खिलावन एंड फैमिली, मैंने तो बहुत बाद में किए हाँ भाई, नहीं हम नहीं बहुत आए बाद में, नब्बे में, लेकिन उसको हम आए रोक दिया गया, नाइनटी में, और ये हमने किया 2001 में, 11 साल बाद, बारह हाँ साल हाँ मैं जस्ट ये कि वो बिहार से ही संबंध रखता था इसलिए मैंने उसका हाँ उदाहरण वो दिया, हुआ कि भाई लालू जी पे है, लालू जी पे है, तो बड़ा पंगे हुए, उस पे केस 11 केस लादा गया, नॉन अवेलेबल वारंट उधर भेजा गया, वो सब बड़े पंगे हुए, तब वो सीरियल बंद हो गया 5 एपिसोड के बाद, उस समय उनका अपना वर्चस्व था लालू जी का, तो लालू जी को लगा ऐसा, उनके घर वालों को लगा ऐसा कि भाई उन पे है, जनरली आप किसी नेता पर करोगे तो किसी न किसी को तो लग ही जाएगा कि मेरे ऊपर किया जा रहा तो है, आज भी ये भी तो हाँ आपातकाल है ना, ये भी तो एक तरह का आपातकाल है, मतलब हमको तो ये ऐसा लगता है कि उस समय की जो पूरी अवस्था थी वो आज की अवस्था से कोई भिन्न नहीं थी, ऐसी थी, वो सबसे ज्यादा प्रलय 90 में हुआ है बिहार से, 90 के दशक में, बंबई जो इतना लोग भागे हैं वहां से बिहार से कब भागे, 90 के दशक में।
वो राजनीतिक बहस तो है नहीं, कोई चर्चा विचार विमर्श तो है नहीं कि उसको बात किया जाए। नहीं, लेकिन राम खिलावन एंड फैमिली के संदर्भ में आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब मतलब वो लगा तो उस पर केस हुआ, वो बंद हो गया, क्या बोला जाए। मतलब वो तो लिखने वाले से आप सवाल करोगे ना, भैया ये क्या तुम लिखे थे। अब लिखने वाला तो अपनी कल्पना से लिखता है कि भाई अगर आज भी तुम हरिशंकर प्रसाद पढ़ो तो कुत्ता कत्ता गायब हो गया। तो किसी भी नेता पे लग जाता है। अरे तो नाम लेकर के लिखते थे परसाई जी, तो नाम लेकर के लिखते थे, नाम लेके लिखते थे, लेकिन लगभग जिसमें नाम नहीं भी लिए हुए हैं, लिखे हुए लिए हैं, उसमें वो भी समझ में आ जाता है, वो आ ही जाता है, आप कयास लगाने लगते हो। नहीं, कुत्ता कत्ता तो ये जोशी जी का था, शरद जोशी का। शरद तो जोशी जी भी ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेखक लोग तो अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं ना। अब वो उड़ान जो है वो किसी के लिए घातक भी हो सकती है, किसी के लिए जो है मनोरंजक हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि मुझे बंबई जब मैं आया तो मैं बिल्कुल उस माइग्रेंट की तरह से था जिसका बंबई में कोई नहीं था, और जो कभी कल्पना से बाहर था वो शहर बंबई उसके। तो प्रभु की, महादेव की इच्छा थी, यहाँ जो तो है मिल गया हमको, एक्टर कहलाने लगे। मुझे तो मालूम नहीं कि मैं फिर सिनेमा में एक्टर हूँ, नहीं थिएटर में मुझे मालूम है कि मैं क्या करता हूँ, क्या जानता। तो आपने वो डायरेक्शन में भी असिस्ट किया था? हाँ, शुरुआत में वो शेखर डॉक्टर चंद्र प्रकाश का चीफ था, तो उसे मिलने जाते थे। शेखर कुछ गवे, शेखर कुछ गवे, तो शेखर तीन मित्र थे बिहार के, वो तीनों। एक तो अनिल अजिताभ जिनका अभी देहांत हुआ, वो थिएटर करते थे, चनियाटांड में रहते थे, वो भी पुराने मित्र मेरे। और दूसरे जो हैं वो सबसे पहले आए थे वो अजय वर्मा, और शेखर कुजगमे। तो शेखर से मिलने जाते थे, डॉक्टर ने एक दिन कहा कि अरे तुम असिस्ट करो। हम बोले अरे हम तो कुछ जन्मे नहीं करते हैं सिनेमा वगैरह। बोले नहीं नहीं तुम कर लोगे, तो जो है कर लिए, असिस्टेंट हो गए उनके यहाँ। तो वो रहे वहां, राजन कोठारी मिले। राजन कोठारी मुझे बहुत ही यानी बहुत बड़े कैमरामैन थे, उनका भी देहांत हो गया, तो वो उनके साथ जो है मेरा बड़ा अच्छा ट्यूनिंग हो गया। वो हम मेरे बड़े भाई जैसे हो गए, वो हमको छोटे भाई की तरह मानने लगे, एकदम पारिवारिक संबंध हो गया। वो बड़ा ध्यान रखते थे मेरा। दो नाटक थिएटर में भी डायरेक्ट किया है ना भैया? हाँ, थिएटर में भी। वो जब हम एनएसडी पास किए तो हम आए और हम बोले कि हम दो नाटक करते हैं। एक नाटक किया मैंने द सॉन्ग ऑफ डेथ अल हकीम का, और दूसरा आइलैंड के एथोल फ्लूगार्ड का। और सारे कॉन्सेप्ट्स जो मेरे दिमाग में थे वो मैंने सब तोड़ दिए, सब तोड़ा जानबूझ के। तो लोग बोले कि परेश भाई, हमने जब कास्टिंग की इसकी सोनल और हाँ द सॉन्ग ऑफ डेथ की, तो मैंने सुमन को लिया। सुमन बहुत स्टिफ था, बहुत स्टिफ। सोनल को लिया, सोनल जो है वो 18-19 साल की रही हो, और 50-55 साल की बुढ़ी औरत का रोल। मोना को लिया, वो भी कुछ 20 साल की रही होगी। और सुनील पहलवान को लिया, वो तो लिटरली पहलवान था। परेश बोले कि अरे तुम कैसे करोगे? हम बोले अरे ट्रेनिंग लेके आए हैं तो ये तो भैया, तो ये सवाल एक बनता है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग लिए डायरेक्शन क्यों करने लगे थे? भाई हमने डायरेक्शन किया नहीं, हम अपनी क्षमता देख रहे थे कि भैया तुमने ट्रेनिंग जो लिया है उसका तुम कैसे इस्तेमाल करो। तो सेट मैंने क्या बना दिया कि 10x10 यानी आईएमए हॉल पे
10 बाई 10 का 9 इंच का ऊंचा खाली बनाया, बोला यही है प्ले करने के लिए, इसमें भी पूरा सामान भर दिया, इसी में ट्रेवल करना है। और मैंने जो आइलैंड किया उसमें हम एक रोल हम कर रहे थे ना, दो बुढ़ा और जवान जो दू हैं कैरेक्टर, उसमें एक हम थे, तो जावेद साहब तो बीमार पड़ गए इसलिए दूसरे दिन वो हुआ नहीं, वो उनको बुखार उखार आ गया था, एक्सरसाइज करवा दिए उसमें, तो भाई तो बीमार हो गए, जॉन्डिस 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 हो गया था उनका। हो गया। सादिया पूछ रही है कि आपने थिएटर क्यों छोड़ दिया, यहाँ भी कर सकते थे, उनका आशय ये रहा होगा। थिएटर छोड़ा कहाँ, किसान का खेत छीन लोगे तो वो कहां से खेती करेगा। हाँ, लेकिन ये किसान, ये ऐसा किसान है जो कहते हैं कि मैं करूंगा करूंगा, पिछले 40 साल से मैं सुन रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने जब तुम्हें कहा है मैं करूंगा, याद रखो कि एक दिन खड़ा हो जाऊंगा आके और फिर मैं देखूंगा। मुझे क्या है कि मुझे कोई ललक नहीं है ना कि मैं अभिनय कर लूं और मुझे आप देख लो कि मैं एक्टर हूं, नहीं, ये सब नहीं है। पहले अपनी क्षमता को और अपनी पूरी जो आंतरिक ताकत है उसको मजबूत करो कि जिसके सामने खड़े हो गए, तुम हमसे बहुत छोटे हो, लेकिन जब हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो पहले अपनी शक्ति को जो है हम जांच लेंगे, तब तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ये नहीं कि तुम कहो कि ये कीजिए तुम, हक दिए। तो आपने सिनेमा में असिस्ट किया, तो डायरेक्शन के बारे में आपने सोचा नहीं कभी? अरे भाई, हम तो सिनेमा के बारे में ही नहीं सोचे, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन में तो क्या है कि उसके बाद हमने कह दिया कि भाई मैं तो एक्टिंग नहीं जानता हूं, मैं तो असिस्टेंट, मैं डायरेक्ट करूंगा, बोल तो दिए हम। लेकिन वो अनुभव सिन्हा थे, यानी मतलब हैं, वो मित्र हुआ करते थे, तो वो पंकज पाराशर के थे चीफ, तो एक दिन जो है उन्होंने कहा अरे अरे फोन कर उनको, फोन कर, उन्हें बना रहा है कुछ सीरियल बना रहा है, सीरियल बना, उन्हें फोन कर लिया। वो तो पंकज पाराशर एक अलग सनकी आदमी, वो बहुत बड़ा नाम था। तो हमने कहा कि जी हम आए मिलने, तो बुला लिया उसने घर, गए घर, उसने ऐसे देखा, उसने कहा कि तू कर, हम कहा है अब तू कर, मतलब ऐसे खड़े वो कहा तू कर, हम कहा अच्छा तो अब मैं कर लूं, करने लगे, भाई ठीक है तू कर, अब बहुत खुश भाई हुआ तू कर। वो रात में ये लोग फिर गए, वो केतन की शूटिंग हो रही थी शाहरुख खान वाली फिल्म की, तो रात में नाइट शिफ्ट थी, तो ये लोग गए कहीं, और दूसरे दिन सुबह जो है अनुभव ने कहा मुझसे कि वो तो रोल उनको मिल गया, वो एक मराठी बहुत सीनियर एक्टर थे, वो रोल उनको मिल गया, मेरा रोल हाथ से निकल गया तू कर वाला। हम पहुंच गए पंकज पाराशर के यहाँ, हम बोले कि अरे आप तो उनको दे दिया, अब हम क्या करेंगे, बोले अबे तू क्या करेगा, तू पूछ मत कर। वो बहुत एरोगेंट आदमी है पंकज पाराशर, तो हम बोले हम भी कम नहीं, तो हम बोले कि हैं ऐसे कैसे, अच्छा तू बाप का रोल कर ले, स्क्रिप्ट है नहीं है भगवान जाने, वो तो वैसे ही चल रहा था, बाप का रोल कर ले। तो मैंने बाप का रोल किया, लड़की जो हीरोइन थी उसके बाप का रोल, और अचानक मेरी दुकान खुल गई, और उसको देख के गोविंद निहलानी ने जो है मुझे द्रोहकाल के लिए बुला लिया, और मुझे द्रोहकाल मिल गया। उस समय गोविंद निहलानी थे कि भाई गोविंद जी ने इंट्रोड्यूस किया है किस एक्टर, और बड़े नाम लिए गए कि नया क्या, ये आ गया वो आ गया, लेकिन माथे पे लिखा होता है मुंबई शहर में किस्मत नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि लोग कहते थे कि नया अंकुरी आ गया, पंकज पाराशर के यहाँ लोग कहते थे संजीव, पंकज खुद बोलते थे तू संजीव कुमार का स्लॉट खोलेगा, लेकिन माथे पे खोलना लिखा होगा तब ना, थिएटर में हम लोगों ने कभी नहीं सीखा कि माथे पे लिखा होगा, हम माथा खोल देंगे, तुम देखोगे तो तुम्हारा माथा खुल जाएगा। तो क्योंकि ये भैया द्रोह काल वाला जो रोल, वो तो मतलब वो क्या, आप स्क्रिप्ट में तो कुछ होगा नहीं उसमें, क्योंकि नहीं, पैनल रोल था ओमपुरी के, हाँ, लेकिन वो अगर डायलॉग वाइज हम देखें तो डायलॉग वाइज तो वो रोल नहीं है। नहीं, गोविंद निहलानी की फिल्म भाई, वो चारित्रिक जो वो विशेषताएं थी कि एक आदमी जो पुलिस की सेवा कर रहा है, जो एक खास जो समस्या है उसके लिए युद्ध कर रहा है,
और उसकी जो सामाजिक अवस्था है घर में, हम्म, और दूसरा जो अपने सामाजिक अवस्था की वजह से उस कल्प्रिट की तरह से खड़ा हुआ है उसका जीवन, तो वो पैरेलल था। हाँ वो तो मतलब वो तो देखने के बाद नहीं, इंटरवल में जबकि इंटरवल में वो मर जाता है, लेकिन मौजूद इसके वो पैरेलल था, तो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर था वो। नहीं, वो और हाँ वो मैंने तो मतलब वो इस द्रोह काल की जो पूरी बहुत मुदीक थी मैंने पढ़ा होगा 30-40 बार। जब भी अभिनय पे आपसे बात करने की बात की जाती है तो आप कह देते हो जाता है, ऐसे ही थोड़ा टाल देते हैं। नहीं वो नहीं जाता, मेहनत करना नहीं, वही वैसे उससे रिलेटेड ही है कि जब एक वो मसान जब आप कर रहे थे तो वो जो पूरी प्रक्रिया थी वो तो अद्भुत है, मसान के प्रिपरेशन की पूरी प्रक्रिया। वो प्रक्रिया आपको अद्भुत लगती है, मेरी मजबूरी थी कैसे? समझ है, स्क्रिप्ट आप दिए हमको समझ में आ गया, ये चरित्र है आप कहिएगा हम और 10 पन्ना लिख के आपको जो है बता देंगे कि इसके चारित्रिक विशेषता क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक वो सब जो है अलग अलग रिलेशनशिप और फलाना ढमकाना सब डिटेल हम आपको बता सकते हैं शब्दों में। तो कई चीज इतनी बार बता देते हैं कि डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है, कहता अच्छा आप यहां तक देख लिए हैं, हम बोले मैं और भी अंदर तक देख लूंगा, लेकिन शरीर कैसे वो मैं सब प्रक्रिया समझ बताइए चुका ना। हूँ। डोम, मैं डोम नहीं था। हाँ तो क्या किए क्या थे वो थोड़ा बस बताइए सात ना। दिन मणिकर्णिका घाट पे मुर्दा उठाए, लट्ठा उठाए, चिता लगाए, मुर्दा पलटे, वहीं चिलम पिए, वहीं जलेबी खाए, मुर्दों के बीच में महाकाल के उसमें बैठे, गाना हुआ कोरस में गाना गाए, 10-10 घंटे तक बैठे रहे, पूरा जो है आग में 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है सब जला दिए, सब तंबई तंबई हो गए थे 10 दिन में। उन्हीं के बीच रहते थे 24 आवर? नहीं 10 घंटा रहते, वो दस रात घंटा रात में फिर हम चले आते थे, पैदल चल के आते थे, फिर नंगे पैर चलते थे, क्योंकि चप्पल जो है ना वो क्या है कि मुझे लगा कि ये लोग जब चलते हैं तो इन्हें कंकड़ नहीं गड़ता है, वैसे ये चप्पल पहनते हैं, कोई ऐसे गरीब नहीं है वो, लेकिन जब ये नंगे पैर चलते हैं तो इनको कंकड़ नहीं गड़ता है, और मैं चूंकि जब चलता था तो मुझे कंकड़ गड़ता था, तो चूंक जाते थे ऐसे करते थे, तो क्या आपके तलवे में गड़ता है, तो मुझे लगा कि ये जो चूंकना है कहीं अगर गड़ा तो हिलेंगे ही हम, तो हम नंगे पैर चलने का अभ्यास किए कि नंगे पैर चल यार थोड़ा पर। अब इसका अभिनय से कोई लेना देना है नहीं, मेरा मानना है इसका अभिनय से कोई लेना देना नहीं, नहीं अभिनय से ही लेना देना है भाई, ये हम मान रहे हैं अभिनय तो भावनाओं बोलिए ना, बोलिए ना, क्यों बच्चा सब कंफ्यूज वो तो प्रूफ है, कह रहे बच्चा सब कंफ्यूज हो जाएगा, यही ले लेगा एक लाइन कि अभिनय किया नहीं जाता, वो तो खुद खोजना पड़ता है, वो खुद खोजना पड़ता, अगर खुद नहीं समझोगे तो किसी की नकल से आप अभिनेता नहीं बन सकते हो, इसीलिए मेरा मानना यह है कि अभिनय देख के कभी मत सीखो और मिरर में देख के अपने आप को कभी अभ्यास न करो, मिरर भूल से मत देखो, तो पैदा करो यार, पैदा करो, देखो लोगों को। अब एनएसडी में ये जो बताया गया कि जाइए बैठिए, और ये रीता कोठारी बड़ा छोड़ते थे हम लोग, रीता कोठारी बोले कि जाओ बाहर बैठो और देखो लोगों को, ले गई जू ले गई, कहा कि वो बंदर को देखो, ये देखो वो देखो, धीरे धीरे चीजें जो है चूंकि हम करके गए थे, मुझे बात समझ में आती थी, बाकी बहुत उम्र में छोटे छोटे थे तो उन लोगों के साथ हम भी रहते ही थे, और कर ले भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब भैया देखने का भी संबंध आंखों से बाद में है कि क्या देखना है, कैसे देखना है, देखते क्यों रहो, देखना, देखते रहो। दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर एक आपके इमोशनल मेमोरी है जो सब कनेक्ट होता है, जब आप काम करते हो तो वो इमोशनल मेमोरी से निकलता है खुद ब खुद, और वो रिक्रिएट करता है, पूरा प्रोसेस है ना,
जिसका कि अभ्यास करवाते हैं। और फिजिकल मेमोरी की भी आप बात कर हाँ रहे हैं हाँ बिल्कुल कि जब आप लाश जला रहे हैं या पैर कह रहे हैं ऐसे चलना है वैसे चलना है, दरअसल फिजिकल मेमोरी में अपने आप को डाल रहे अपने हैं। आप ढलता है। तो इसीलिए आप अपना अभिनय कैसे करेंगे इसकी समझ आपको पैदा करनी होगी, तभी आप किसी के रेप्लिका नहीं दिखोगे, वरना आप मिनी सतीश आनंद हो। सही मतलब इसीलिए एक शिकायत है कि हमारे देश में, मैं माफी के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे देश में अधिकतर लोग कहते हैं फिल्मों में कि मैं इनसे प्रभावित रहा, मैं दिलीप साहब से प्रभावित रहा, मैं अमित जी से प्रभावित रहा, मैं इनसे प्रभावित रहा। उसका उनका प्रभाव आपके अभिनय पे दिखता है, कहीं ना कहीं झलक जाता है। हाँ, क्योंकि ज्यादा देखे उन्हीं को देखे उनकी आप तरह। प्रभाव में हैं। हाँ, प्रभाव में है। एक अभिनेता किसी के प्रभाव में कैसे रह सकता है, क्योंकि उसे अपना प्रभाव छोड़ना है, उसका अपना ऑरा है, क्या वो बात अपने आप में ब्रह्मा विष्णु महेश है, है। वही क्रिएट करेगा, वही पालेगा, वही नष्ट करेगा, इसमें दूसरे का प्रभाव नहीं हो सकता। मेरा कहना है कि आप हमसे अगर प्रभावित हो रहे हैं तो मैं आपको रोक दूंगा, या आप मेरा काम ना देखें, आप चंद देख घंटिया काम देख लीजिए, मतलब वो प्रभाव हंस, नहीं। हाँ हाँ वो हंस जैसा बनना पड़ता है कि वहां से मटेरियल उठा लीजिए बाकी छोड़ दीजिए। हाँ अरे क्या फरीद साहब, आप तो सवाल जो है कुछ दागी कुछ, आप तो मतलब हाँ लीजिए कंट्रोवर्सी पैदा कीजिए। नहीं, लीजिए एक सवाल कि आजकल है हिंदी साहित्य में भी काफी चर्चा हो रही है, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि साहित्य की राजनीति पर, तो सिनेमा की राजनीति और पुरस्कारों की राजनीति पर आप कभी पुरस्कारों की तरफ गए नहीं, सवाल जबकि स्पष्ट करें। मतलब सिनेमा में पुरस्कारों की राजनीति, सिनेमा की राजनीति पर आपका क्या कहना, वो होता ही है। थिएटर थिएटर में भी, थिएटर में भी, थिएटर में भी में भी जो राजनीति होती है, राजनीति तो है ही, यहाँ पे जो है सिनेमा में बहुत स्पष्ट सा है, एक मोदी पक्षधर है, एक मोदी विरोधी है, इससे स्पष्ट मैं क्या कहूं। बहुत और सही बात। राजनीति, नहीं, बात सिर्फ अपनी नहीं है, ये तो राजनीति की राजनीति हुई, सिनेमा की राजनीति मतलब भैया सिनेमा की किसको। राजनीति यही है, तो कुछ लोग उस प्रकार का सिनेमा बना रहे हैं, कुछ लोग इस प्रकार का सिनेमा बना रहे हैं। सिनेमा भी जो है किसी के धन से बन रहा है, और जिसका धन है वो किससे प्रभावित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरस्कारों की भी राजनीति यहीं से तय होती है। हाँ यहीं से तय होती है। अब इसी में कई कुछ अच्छे लोगों को देना पड़ता है, वरना सारा लिस्ट खराब हो जाएगा। कुछ हाँ वो तो नहीं, दिखाने अच्छे के, अच्छे दस में से लोग जो तो चलिए है ठीक तीन है। हाँ लोगों को जो है देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल 30% जो है करेक्ट रहेगा तो जरा सा बैलेंस बन जाएगा। लेकिन हाँ ये तो राजा महाराजाओं के समय से भी जाए, और रामायण महाभारत में भी सब था यार, इस सब से हमको कोई समस्या नहीं होता है। वो धृतराष्ट्र जो है उन्हीं का अंग बनता ना, धृतराष्ट्र मतलब का। ये हाँ धृतराष्ट्र का ही बनता, मतलब ये सामान्य सी बात एक ही बार इतना बड़ा उड़ान थाम लेते कि हम लोग कहा पकड़े कहा। मजेदार है। मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो देश है, गनीमत है कि यहाँ जो है इतने बोल दें, बहुत मार खाने वाला बात बोलने जा रहे हैं, जी, बोलिए बोलिए। कि इतने मूर्ख हैं, वरना ये देश विश्व विजयी होता यार। इतने कम लोगों में जो है इतना ये प्रभावशाली है, बहुत कम लोग देश समझते हैं। वरना अधिकतर लोग इस देश को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे अंधों का हाथी, किसी ने सूंड पकड़ रखा है, किसी ने पूंछ पकड़ रखा है, किसी ने धड़ और किसी ने पैर। एक थोड़ा एकदम एकदम जो है ना तड़कता भड़कता सवाल है भैया। हाँ साउथ का सिनेमा, अरे हाँ साउथ का सिनेमा अद्भुत है साउथ का सिनेमा, जो कमाल कमाल है। कमाल हाँ क्यों है,
कि साउथ का सिनेमा अपने जमीन के लिए सिनेमा बनाता है, मतलब हिंदी 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 सिनेमा का सिनेमा अपनी जमीन के लिए नहीं बनता। नहीं। तो फिर सिनेमा बता दो कौन से जमीन का है। नहीं, हम आपसे ही जानना चाहते हैं हाँ तो। हम तो इसीलिए उदाहरण बता दो ना, हम तो वो बता देंगे कि भैया ये कौन सी जमीन, हमको बता दो कहाँ मिलती है ये जमीन नॉर्थ में हिंदी बेल्ट में। लेकिन साउथ में जितना भी सिनेमा बनता है वो उनके जमीन के लिए बनता है, इसीलिए वो सिनेमा अपना देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं हिंदी को पूरा देश देखना पड़ता है और साउथ का सिनेमा अपने क्षेत्र विशेष के लिए बनाता है, एक स्टेट के लिए बनाता है, भाई एक मेरे को राज्य आपने के क्यों नहीं हिंदी का डिसाइड कर रखा था। लिए। नहीं, आपने भाई हिंदी 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 का राज्य इतना बड़ा है और हिंदी कोई भाषा, हिंदी जो है फाइल की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, फाइल की भाषा है, फाइल में डिक्लेयर किया गया है ये राष्ट्रीय है, कोई नहीं मानता है वो राष्ट्रीय है। भैया साउथ के सिनेमा में आपका योगदान। साउथ के फिल्मों में मेरा कोई योगदान नहीं है, उनका योगदान है मेरे जीवन में। कैसे? 2000 से 2001 से मेरे जीवन, मेरा घर, मेरा जीवन जो इतना सुखमय आनंददायक है वो साउथ की वजह से। मेरा अच्छा क्या भैया, योगदान होगा, वो अपने योगदान से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये, उन्होंने ये दिया है कि मेरे ऊपर हमको एक्सेप्ट कर रखा है और मेरा घर चलता है उनकी वजह से। और वो तो इज्जत जो देते हैं वो अद्भुत है। मतलब पवन कल्याण एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी पार्टी भी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े एक्टर हैं। भैया ये भी आता है कि आप जितना रोल करते नहीं है उससे कई गुना ज्यादा रोल छोड़ देते हैं। हाँ, तो कितना रोल बाकी लोग भी करेंगे ना, सब आप ही करते रहोगे, कितना पैसा कमाओगे। हम पैसा के आधार पे जीवन देखते नहीं है। तो अब इसमें दो राय नहीं है कि मेरी पत्नी जो है, मनोरंजन जो है, मेरे पत्नी का नाम मनोरंजन है, उन्होंने भी जो है कोई मेरे ऊपर ऐसा दबाव नहीं रखा है कि भैया हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। उनका भी बहुत सीमित है। तो धन बहुत चाहिए नहीं, धन की इकट्ठा बात करना होती चाहिए। है, धन की बात होती है, आपके चॉइस की बात होती है। नहीं, आप जो है सिनेमा में चॉइस वॉइस तो कुछ होता ही नहीं है। या तो हीरो आप बढ़ो, ही चॉइस हीरो का होता है यार, विलेन तो विलेन होता है, या कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है, उसमें आप चॉइस क्या है। मैं फिर भी आप आपका आपका हिंदी सिनेमा देखें अगर, तो बहुत सारे रोल हैं कि वो तो चॉइस के रोल हैं। वो तो डायरेक्टर को लगता है कि ये अच्छा करेगा। हम तो आज तक किसी से काम मांगने गए नहीं है, इसलिए हमको क्या मालूम। वो बुलाया, बुलावा आता है तो चले जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप हाँ बोलते हैं ना उस रोल को, जैसे बहुत सारे रोल को आप ना बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो बहुत सारे तो हाँ भी हाँ, करते मतलब हैं। अगर हमको धन की जरूरत होगी तो हम शायद तो उसको कर लेंगे। जैसे किए हैं कुछ काम ऐसा कि भाई अभी जो है, अभी तुमको बताएं कि अभी जो 15 अप्रैल से 15 जून तक 2 महीने में 2 फिल्म थी, और मैं 1.25 साल से काम नहीं कर रहा था। बंबई में किसी की इतनी हिम्मत, इतनी औकात और इतनी हैसियत नहीं कि 1.25 साल बैठा रहे। 1.25 साल, सवा साल से बैठे ये काम करने जा रहा था, कोरोना साहब चले आए। अब वो कितना आगे नहीं करेंगे भगवान जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार, जब तुम पैदा हुए हो, ऊपर वाले ने तुम्हें पैदा किया है, तुम अपने से तो पैदा हुए नहीं। कोई शक्ति है जहां से तुम पैदा हुए हो, और जब पैदा हुए हो तो कोई शक्ति जो है तुम्हें बचाएगी भी। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम वो शक्ति पहचान सको कि तुम कैसे बचोगे। क्योंकि तो मैं तो ऊपर से भी लौट के आया हूं ना। और हाँ, ऊपर से। ये क्या था माँ? मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था, उस दिन शूटिंग नहीं थी, और दोपहर में मेरे हाथ में इचिंग शुरू हुई। मोटे मोटी मैं ये बता सकता हूं कि मैं पैदल चल के हॉस्पिटल पहुंचा। 1.25 घंटे तक मेरी सांस बंद थी, मेरा शरीर पत्थर का था, मैं कॉन्टिन्यूस बोल रहा था। और जब मैं आईसीयू पहुंचा तो मुझे बताया गया कि जब मैं हॉस्पिटल में आया था पैदल चल के, तो मैं क्लिनिकली डेड था। मेरा बीपी था 40-20, पल्स था 30, ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छा नहीं था, हार्ट था फ्लैट लाइन।
डेथ था, और जो 12 डॉक्टर खड़े हुए थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था, और मैं कह रहा था कि मैं मर रहा हूं भाई, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं करते हो? तो नर्स हमको बोलती है, सर यू आर रियली अ विलन। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा कि आप सारे डॉक्टरों को डांटे हैं। उस अवस्था में भी मैं डॉक्टरों को डांट रहा था कि तुम सच क्यों नहीं बोलते हो कि मैं मरने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं निर्णय लूंगा, मैं फोन करूंगा। और मैंने फिर सब बताया कि मेरी बॉडी जो है वो पटना जाएगी, मेरी पत्नी आएंगी, तो मुझे उन्हें ये कहिए, मेरे मैनेजर को बुलाइए, मेकअप मैन को बुलाइए, इसको बुलाइए। आशीष ने बहुत, फिर तुरंत आशीष जो है बाद में आया, और आशीष विद्यार्थी जी नागेंद्र जी का एक मैसेज है, है नागेंद्र जी का एक मैसेज है, पटना में हिंदुस्तान में जो नागेंद्र जी थे हाँ उनका मैसेज है, ये पटना के पुराने योद्धा विनीत, परवेज अख्तर, हृषिकेश सुलभ, तनवीर आदि आदि मिलकर एक बार फिर कालिदास रंगालय में दिखेंगे, कभी नाटक लेकर। हाँ तो ना, हम तो एक्टिंग करेंगे नाटक, तो नाटक वो शुरू करें, पैसा वैसा जुगाड़ करेंगे, आएंगे। हाँ सुलभ भैया का तो नाम लेने लगे, सुलभ भैया भी एक विचित्र, वो लोग भी हिंदी उन्दी बोलते थे, उन लोगों की वजह से भी बहुत सीखे हैं हिंदी की समझ। हिंदी एक होती है जो हमें नहीं समझ में आती। खैर तो मतलब ढेर सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, जिससे वो कहते हैं ना कि पाश की वो लाइन है ना कि बहुत छोटी छोटी चीजें जोड़कर बनाओ, और जब दिल की जेब में कुछ नहीं होता है तो याद करना बड़ा अच्छा लगता क्या बात, है। तो बड़ी चीजें से जुड़ के कोई बड़ी चीज नहीं बनती है, छोटी छोटी चीजों से जोड़ के ही बड़ी चीज बनती है। इसीलिए ईंटा छोटा होता है और घर बड़ा होता क्या बात, वाह क्या बात क्या बात। चलिए। हाँ जी तो आप लोगों का सवाल जो है, हमको तो लगा था आज कठिन होगा। अरे ऐसा क्या करना, ये कठिन था। आप अब आपने उसको आसान बना दिया, वो अलग बात है। आप नहीं नहीं आपके लिए आसान क्या कठिन है? नहीं, नहीं, लेकिन कुछ आप तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी होना चाहिए। आप तैयारी से बैठ गए थे ना भैया, तो चीजें आसान हो गई। हाँ मतलब कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो सुन लिए थे श्रीकांत का, मेरी तो वो चाहिए, श्रीकांत सुने तो हमको तो लगा कि अरे क्या, यानी उसका तो पूरा जो विवरण होता है बहुत पीछे, आधार सहित सिद्धांत जो है, तो पूरा 1 घंटे का, 1.25 घंटे का क्लास था मेरे लिए, पूरा सुन। वो क्या बंसीदा, हम कहे भैया अब इन लोगों को बोल देते हैं कि यही रिकॉर्डिंग चला दो, जैसे पहले रेडियो में रिकॉर्डिंग नहीं चलवाते थे। नहीं, अभिनेता से व्यवहारिक बात करेंगे ना भैया, व्यवहारिक, हाँ व्यवहार। सतीश क्योंकि अभिनेता सतीश जी अभिनेता का तो मैसेज है, हाँ किसका? सतीश सतीश जी भैया का का। मैसेज है, अरे प्रणाम। बहुत 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 बढ़िया विनीत, बहुत वर्षों के बाद तुम्हें सुनना अच्छा लगा, असीम शुभकामनाएं। अरे जब आपके सामने थे तो हम क्या बोलते थे, और आपको लगता था मैं यार, यानी कई बार तो उनको ऐसा लगता था कि अरे यार इसको कैसे जो है काम दें, कैसे, अरे चलो यार इधर से उधर बैठो, अच्छा चलो बैठो, और बैठा देते थे या कह देते थे अच्छा चाय चाय बनाओ। हमको लगता है कि हम ऐसे एक्टर को देखना चाहते हैं कि जिसके चेहरे पे शिकन ना आए और वो 24 घंटे काम करता रहे, और उसमें रिहर्सल भी शामिल है। नहीं, सतीश भैया से जब बात हो रही थी अभी सुबह आपके बारे में, तो हाँ मैं इसीलिए इसीलिए अंदर आ गया क्योंकि मैंने वो लाइन लिख करके रखी है। सतीश भैया बोले कि ऐसा ऐसा अगर आर्टिस्ट जिस भी डायरेक्टर को मिल जाए उसको उसका कल्याण हो जाए। इसीलिए तो रोल लोग देते रहे हमको, और जिस दिन कला संगम हम छोड़े ना, तो हर आदमी जो है था कि मेरे यहाँ आ जाओ, क्योंकि लगे कि यार बाकी एक्टिंग वैक्टिंग तो जो है सो वही, काम जो है बहुत सही होगा, कोई भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे की, सेट बनवाने से लेके, सेट उठवाने से लेके, सेट लगाने से लेके, मजदूर से लेके, कारपेंटर से लेके, सब अकेले करता है।
हाँ वो जिन वाली कथा है ना भैया, एक कि हाँ चीन वाली। जिन हाँ हाँ लेकिन निकला लेकिन एक चीज जो है ये भाग्य ही कहेंगे शायद, कि बताओ। हम जहां थे कला संगम में, वहां काम हो रहा था, शुद्ध सही रूप से काम हो रहा बात। था। और सतीश जी को जो है बात समझ में आई, वरना नहीं समझ में आता तो हमको तो नहीं मिलता ना। उनको समझ नहीं में ये बात आई ना कि भाई ये लड़का जो है, हाँ खड़े रहो इधर आओ, हाँ चलो इसको करो। हमको जब बसंत भैया बीमार हुए तो सतीश भैया बोले कि ये तो, हम बोले हाँ, तू ऐसा देखे कि अबे तू पोंछे करेगा, तो हमको पोंछे मिला। जब हम कटघरे में खड़े हुए ना, पोंछे की बड़ी वाली सुरेखी थी, तो सतीश भैया ऐसे देख रहे थे कि ये पूरा बोल पाएगा, बोल पाएगा बोल, और हम दिख रहा है कि वो ये ऐसे देख रहे हैं कि ये भूल जाएगा बीच में। एक प्रकरण छूट गया भैया, जो क्या बहुत अद्भुत प्रकरण है। आपको रेणु जी को आपको कंधे पर बैठाने का सौभाग्य मिला है। हाँ, कोई इमरजेंसी में रिहर्सल हाँ तो बंद हो गया था ना, वो हाँ जुलूस नाटक जो है अंधेर अंधेर, नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नहीं जो बीच में जुलूस भी शुरू हुआ था भाई। नगरी का रिहर्सल करके रिहर्सल फिर बंद कर दिया गया हाँ फिर था। बंद हो गया था इमरजेंसी में। हाँ कुछ लोग मतलब रेणु जी, तो ये लोग क्या है ना कि रेणु जी जो है ये कला संगम के वो थे संरक्षक। संरक्षक तो जेपी थे, हुँ, और रेणु जी होने जी ये लोग तो ऐसे टहलते हुए आ जाते थे। हाँ अब क्या है कि हम लोगों के लिए वो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मोहल्ले में जैसे होता है ना कि भाई अपना शहर, पूरा शहर मोहल्ला था, तो ये आ गए ये आ गए, आ गए तो आ गए, बैठ गए रिहर्सल देख लिए। उस सतीश जी को मालूम था कि भाई ये लोग जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जरूरी हैं, हम लोगों के लिए तो बस थे कि हाँ भाई रेणु जी आए बैठे हुए हैं। हम तो वैसे भी कोई रेणु जी का साहित्य ना पढ़े थे और ना जानते थे कि रेणु जी बाद में समझ में आया कि बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने हम उठे बैठे हैं। अरे बाबा वाला भी एक संस्मरण सुना ही दीजिए। बाबा तो मतलब वो भी कमाल, वो तो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। बाबा बाबा नागार्जुन, नागार्जुन नागर कि स्कूटर सुबह जो है निकले तो वो कॉफी हाउस बंद था, वो पान की दुकान के उधर खड़े हुए थे, तो हम रुक के प्रणाम किए उनको। तो वो जो है बोले अरे कहाँ जा रहा है, तो बोले बोलिए ना कहाँ जाना है, बोले और देवेंद्र क्या पहुंचा दो, तो देवेंद्र बाबू क्या, आचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह क्या, प्रो वाइस चांसलर भागलपुर यूनिवर्सिटी, वो भी थे कला संगम के प्रेसिडेंट, तो उनको पीछे बैठा लिए, पीछे बैठा लिए सीधे आगे बढ़े, तो डाक बंगला की तरफ जब पहुंचे तो जो है वो कुछ खखारे ऐसे करके, तो हमको लगा कि थूकेंगे तो हम किनारे होने लगे, बोले चलो आगे बढ़ गए। बोले थूकने की भी जगह होती है, और थोड़ी दूर आगे गए, गया रुको और वहां थूके, आप थू। और तब मुझे समझ में आया कि आपके जीवन में जो चीजें हैं उसकी महत्ता अगर आप नहीं समझ रहे हैं, चाहे वो थूक ही क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं समझ में क्या आएगा। आप अपनी बात है। महत्ता खुद समझिए, दूसरे को देख के आप अगर अपने आप जगह समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप कुछ नहीं है। सही बात। ऐसी चीज मिली जो कि लगी कि क्या है, तो समझे तो लगा ओ हो, क्या बात समझा गए ये लोग, तभी तो इतना थूकने बकवास कर पाते हैं, तभी तो की भी बोल जगह। पाते हैं। सही बात, सही बात। तो फरीद भाई, तो मैं देख रहा हूं कि कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, कोई शुभकामनाएं हो। मतलब लोग देख रहे होंगे तब ना, हमको तो लग रहा है हाँ तुमसे और तुमसे बात कर। हाँ मेरे नहीं देख रहे हैं अरे लगातार, आज देख कल तो जो है बीस रहे हैं, देख रहे पच्चीस हैं, देख लोग रहे लगे हुए हैं अभी, जानते हो कौन, कहीं 3 बजे से कौन था, अभी 3 बजे से कोई था, हम पढ़ रहे सुन रहे थे, यानी देख रहे थे कि कहीं है, क्या नाम है उनका भूल गए। खैर हाँ, आजकल लॉकडाउन में
हाँ मतलब ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि भाई मेरा रिलीज होने वाला है, तू थोड़ा 1 घंटे बाद रिलीज कर। बिल्कुल मैं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं भैया, तो हाँ, लेकिन इस ठीक है। कनेक्शन का अर्थ जो है वो मुझे दिखाई नहीं देता है। ये अभी इसलिए नहीं, दिखाई हो सकता देता कुछ दिन के बाद दिखाई दे, कुछ दिन इसलिए चले। भी दिखाई देता है कि फुर्सत के क्षणों में जब आप बैठे होते हो तो जुगाली करने लगते। दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, तो ये लगभग अंतिम है, मैंने सब अब कह दिया कि भैया मैं बोल चुका, अब मुझे मेरे में जो है ऐसा भी कुछ नहीं है, इसलिए अब ये सब बंद करो। कुछ मतलब मुझे लगता है कि कुछ कुछ आमने सामने हो। आमने सामने के अलावा भी कि भाई एक समझ है कि भाई आज जो है ये बोलेंगे तो लोग बैठेंगे। अब आप एक बोल रहे हैं तो उनको आप सुनेंगे, अब वो बोल रहे हैं वो इसका दूसरे भी फायदा, बोलने लगे, तीसरे भी बोलने लगे, चौथे भी बोलने लगे। नहीं इसका फायदा ये भी होता है कि कुछ लोग ऑफलाइन भी वक्त निकाल कर सुनते हैं, क्योंकि तो उनको कई जगह सुनना पड़ता है। हाँ मतलब तो थक जाता है आदमी। तो भैया आप लोग जो है पटना में बहुत गोष्ठियां करते थे। हाँ मतलब रिहर्सल के बाद तो गोष्ठी ही होता था, और गोष्ठी मतलब एक नाटक, कौन सा नाटक था, ऐसी ही गोष्ठी में लिखा गया, गोष्ठियों में ये सब जुड़ जाते थे। वो मोहन राकेश का एक नाटक है। हाँ हैं? हाँ मोहन राकेश का एक नाटक है गोष्ठियों पर, एकांकी एकांकी है मोहन नहीं राकेश नहीं एक नाटक लिखा गया, वो क्या था, कुछ था, क्या है कि किस चीज पे था ये हमको याद नहीं आ रहा है, कि वो नाटक कुछ ऐसा लिखा गया था कि एक टीचर आता है पढ़ाने, भाषा पे था कि उर्दू हिंदी हिस्ट्री और हाँ ज्योग्राफी, भैया। मोटा मोटी हमको जो याद आता है। तो ये अगर धर्म से जोड़ोगे तो यही चार चीजें जो हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि भैया, यानी हिंदू मुसलमान का जो चलता रहता था कि एक उर्दू हो गया, एक हिंदी हो गया, एक उसकी हिस्ट्री हो गई, एक उसका ज्योग्राफी हो गई। मोटा मोटी ये कुछ चार, तो चार टीचर आता है पढ़ाने आता है, तो एक बॉटनी की स्टूडेंट जो है वो खड़ी होकर कहती है लेकिन इससे मेरा क्या संबंध है, कुछ इस तरह से था। उसका दंगा हो जाता है, सब जब भागते हैं तो वो भी भागती है, तो टीचर कहता है आप समझ में आया कि उसका इससे क्या मतलब था। भाई समझो, बिल्कुल। दंगा होगा तो सबको भागना पड़ेगा। तो हम लोग अब समापन की तरफ हैं, नहीं ये तो बोलिए। आपकी मर्जी है। हाँ एक सवाल था भैया, आया है मेरे हाँ पास, कि 1974 और 2020 में क्या समानता देख रहे हैं? अच्छा, वो इमरजेंसी को लेकर कह रहा है, हाँ वही होगा, वही वही होगा होगा। ऑब्वियसली। यार हम तो 1947 नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको 62 60 62 के बाद का सब चीज लगभग याद है। जो जो हम आगे बढ़े हैं, राजनीति की बात तो आप ना करें, क्योंकि हमारे अंदर ही क्षमता मात्ता और शक्ति हमारी क्षीण होती गई है। हम ये कैसे कह दें कि हमारी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में तो आया कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है, आपकी समझ में क्यों नहीं आया? तो हमारी ही कमजोरियों से, हमारे ही जीवन पद्धति के गलत तरीकों से
वो सत्ता में बैठता रहा है, राज करता रहा है, वो चाहे कोई हो। अगर हम यूपी देखें, बिहार देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, वेस्ट बंगाल देखें, तमिलनाडु देखें, आंध्रा देखें, उड़ीसा आसाम देखें, केरल देखें, पंजाब देखें, हरियाणा देखें, सब देखिए आप, जो सत्ता आती है उसमें कोई फर्क आपको दिखता है इसमें और दूसरे में? इसलिए जब आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं धारा की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 14 में जो सत्ता आई है वो सत्ता परिवर्तन ही नहीं, वो धारा परिवर्तन भी है। तो जब आप 65 में जब 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 ये कम्युनिस्ट लोग जब थे तो वो भी तो कहते थे यही होगा, यही मानना पड़ेगा, यही है, वैसे अभी ये कह रहे हैं। आप क्यों नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि क्या होना चाहिए? सही कि भगवान बात का मंदिर महत्वपूर्ण है या आपका जीवन महत्वपूर्ण है? कोई एक मंदिर आप मुझे मैं महादेव का उपासक हूं, बिना महादेव के मेरी सांस नहीं चलती है, आज से नहीं जमाने से। इसलिए कोई हमें भगवान के बारे में बात ना करे। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, घंटी नहीं बजाता हूँ, चंदन नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं अभी इधर घुमाऊंगा मेरे महादेव दिख जाएंगे, यहां बैठे होंगे। लेकिन मंदिर मुझे न जीवन देता है न विचार देता है, महादेव विचार देता है, विष्णु विचार देता है, राम विचार देता है, कृष्ण विचार देता है, लेकिन हम उसे घंटी में ना समेटें, हम उसे चंदन टिकली हल्दी माया ममता मोह में ना समेटें। सही बात। गाय बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन माता कह के बेवकूफ ना बनाए। सही बात। तो बेवकूफ बनाने की परंपरा से बाहर निकलिए, वरना 47 से 20 तक में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं। वो तो आए हैं सत्ता में राज करने के लिए, वो तो करेंगे। हमें कौन सी सत्ता चाहिए, हमने ये क्यों नहीं डिसाइड किया? आप कहते हैं कि हमने डिसाइड किया, तो क्यों परेशान है? नागेंद्र जी का दूसरा मैसेज है, इसका नागेंद्र जी का, हाँ आज आभासी चर्चा बहुत शानदार रही, उत्तर कोरोना एक चर्चा पटना में हो पुराने धुरंधरों के साथ, सतीश आनंद जी भी सुन रहे हैं ना, विनीत जी आइए करिए जुटान। हाँ बिल्कुल। क्या है कि ये कहना जो है जुबान से बहुत आसान है, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज जुबान से चीजें आसान कर दी हैं, इसीलिए चुप रहना जरूरी हो गया है, तभी एक्शन होगा। क्योंकि हम जब बोल देते हैं तो चीजें जो हैं निकल जाती, कथार्सिस हो जाता हाँ कथार्सिस हो जाता है। करना है, कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा ना। सही बात। आने को तो हम आ ही रहे हैं, जब से बंबई है तब से हम आ रहे हैं, सही तो बात है। आना तो कोई वो नहीं है। हम आते हैं, हम आपको बताएंगे कि मैं पिछले 31 साल से बंबई में हूं, और 31 साल से मैं लोगों को कह रहा हूं पटना में कि जिसे जरूरत है मुझे बुला ले, 2 महीना 3 महीना पहला बता दे, अगर आने जाने का खर्चा भी नहीं दे सकता है तो भी मैं आऊंगा तुम्हारे लिए, मैं काम कर दूंगा जहां भी तुमको वर्कशॉप करना होगा। आज तक किसी ने नहीं बुलाया। हम एक आखिरी खाली सवाल ले रहे हैं। हाँ खाली ये जब पुंज को पता चलता है कि हम आए हुए हैं तो हमको जबरदस्ती वो प्रेमचंद रंगशाला बुला लेता है। इकलौता आदमी है जिस जो मुझे मिला है, इसीलिए मेरी थोड़ी इज्जत है इसके प्रति, कि इसलिए कि बुला लेता है, इसलिए कि इसको मालूम है कि भाई कुछ भी बोलेगा बोलेगा तो, लड़कों को कुछ मिलेगा तो दिया कैसे जाए, कैसे दें, किसको पकड़े। तो ये रोज सुबह उठता है, इतने बच्चों के साथ काम करता है, बहुत बड़ी चीज है। एक रणधीर है, वो दूसरा उधर बेगूसराय में है, वो तो पॉलिटिकल आदमी है, गुंजन। तो एक आखिरी सवाल लेकर हम लोग हाँ समापन की तरफ बढ़ हाँ रहे हैं। दीपक बंधु का सवाल है, अरे दीपक तो हर बार बैठता है, हम तो इसको आज अवार्ड दे देंगे।
आज के दौर में बतौर अभिनेता कुछ खलता आज के दौर में ये उनका सवाल है। यार एक बात जो है, इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि आज तक बंबई में अभी तक किसी की नजर तुम पर क्यों नहीं पड़ी। ये खलने की बात, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो तुम्हारे अंदर जो एक क्षमता है, एक तीव्रता है उस किसी चीज को करने की, इस पे किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। मैं बोलता नहीं हूं, तुमने आज पूछा तो हमको लगा कि आओ हम पब्लिकली बोल देते हैं, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। ये खलने की बात है। संजय सोनू पे क्यों नहीं पड़ी, ये खलने की बात है। ऐसे ही मैं तो चूंकि उम्रदार आदमी हूं ना, तो मेरे पीछे एक लंबी लिस्ट है, तो मुझे खलता है कि यार क्यों नहीं दिख रहा है इनको, ये क्यों नहीं दिखता है, ये क्यों नहीं दिखता है? तो ये खलता है कि लोगों की नजर जो है भेद नहीं पा रही है। अब थोड़ी शुरुआत हुई है, कुछ लोग हैं जो शायद देख रहे हैं, लेकिन ये खलता है कि लोग कहते हैं कि यार अभिनेता 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 छितराए हुए हैं, आपकी नजर नहीं। तो तो पुंज हाँ नहीं ठीक है, आखिरी नहीं इसमें समाप्त किया जाए और भैया के आज्ञा से समाप्त करिए। हाँ तो हाँ, भाई थैंक यू। तो अरे बहुत वो बहुत मृत्युंजय को बुलाओ इधर, वो कहाँ बहुत है? बहुत आभार है बिल्कुल आपका। मृत्युंजय हैं अगर तो आ जाए। अजय, तुमको बताए मृत्युंजय ने हमसे कहा, हमने कहा नहीं 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 मुझे नहीं करना, मैं एकदम मृत्युंजय क्या कहता है मालूम है? ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमको ना का बोल दीजिएगा, एकदम ऐसे तलवार खींच के खड़ा होंगे कि आप हमको कैसे ना बोल दीजिएगा। तो हमने कहा अच्छा तो ठीक है। मृत्युंजय अभी शायद नहीं है, वो आई थिंक फेसबुक पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ जी, देख तो लिया मृत्युंजय आप प्रभाकर को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने भी देखा, जिन जो लोग अभी तक साथ में रहे, 50 लोग लगभग साथ में अभी तक 2.5 घंटा आपको सुनते रहे, ये बड़ी बात है। तो मैं बताती हूँ, हमारे साथ कुछ 3,000 व्यूअर्स जुड़े ओवरऑल, 3,000, बाप रे 3,000 इस वाह, पूरे पूरे घंटे में। तीन इतने हजार लोग से भी हमसे, ऊपर 3,000 प्लस हो गया। अरे हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो उन सबका शुक्रिया है। भाई, अब मतलब हमको इसका अर्थ समझ में आता नहीं है, इसका अर्थ समझ लिए होते तो बंबई में जीना सीख लिए होते। सही बात है। तो उन सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया विनीत जी, और जो आयोजक हैं आकांक्षा, मृत्युंजय, प्रभाकर और बाकी सबका, शहर पुंज, शहर 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 का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मतलब ये शुक्रिया उक्रिया लोग बोलते, हम तो अभी सब बोलते ही नहीं है। हम नहीं इसलिए नहीं क्या, बोलते हैं कि हमको जो है बोल के समाप्त नहीं करना है। जब हम अगर कहीं से जा रहे हैं तो समझिए कि ये अगली शुरुआत की लौ है। अगर मैं कह दिया मैंने थैंक यू तो मतलब दी एंड, अगली बार फिर आप आइएगा मैं फिर बहस करूंगा। तो हाँ शुरुआत करने की, जब हम अंत करते हैं ये तो वही शुरुआत, अगली शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये शुरुआत है बिल्कुल। अभी तो। तो बहुत तो अच्छा लगा बहुत अच्छा और लगा, हमें आनंद भी आया। बहुत और अच्छा लगा। क्या बोले कि कोरोना जाए जल्दी आके ही आमने सामने का फिर जुगाड़। से हम लोग मौका ढूंढेंगे आपसे फिर से संपर्क करने का। नहीं अभी तो सब घरे पे बैठा है, जो कह रहा है टाइम नहीं वो झूठ बोल रहा है, किसी को कोई काम थोड़ी है। अभी ये इसका भी चालू होगा 7 बजे, 7 बजे आज कौन है वो? अच्छा आज यह है पटना से है, एक क्लासिकल नृत्य अंगना है, वो डांस एंड एक्टिंग को लेके बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए भाई ठीक है। बहुत शहर बहुत की तरफ से थैंक बहुत बहुत धन्यवाद।
हम चाहेंगे कि शहर जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, और आगे बढ़ के शहर ही रहे तो अच्छा है। के